हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पे आप कोई भी व्हाट्सएप चैट को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक व्हाट्सएप अकाउंट है और आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बात करते हो, आप सिंपली उन फ्रेंड्स के साथ आपने जो चैट किया है उसको एक्सपोर्ट कर दो इस वेबसाइट पे, उस टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर दो और ये वेबसाइट आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे देगा आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो भी चैट हुआ है। ये इंडिविजुअल्स के साथ चैट के ऊपर भी काम करता है और ये ग्रुप चैट्स के ऊपर भी काम करता है। तो लेट्स से अगर आप अपने कॉलेज ग्रुप में हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो, तो आप उस ग्रुप को, उस ग्रुप का चैट को डाउनलोड करके उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब हम पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली उसको हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे, सो दैट जब आप इसको बना लो आप इसका लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई भी आपका वेबसाइट यूज कर पाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखाता हूं कि वो वेबसाइट कैसे काम कर रहा है और फिर हम लोग पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर शोइंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप चैट्स कैसे एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको व्हाट्सएप पे जाना है, किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करो जिससे भी आपने कभी भी बात की हो और ऊपर ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करो, मोर पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करो। हमारे केस में विदाउट मीडिया रहेगा, विदाउट मीडिया पे क्लिक करो और इसके बाद आप इस चैट को कहीं भी भेज सकते हो, लाइक जैसे मैंने खुद को भेज दिया एंड यू कैन सी इस चैट को हम यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजली, राइट। अब एक और चीज़, अगर आप किसी ग्रुप चैट के साथ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मेरे केस में दिस इज़ अ ग्रुप चैट, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से मोर पे जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट चैट कर रहा हूँ विदाउट मीडिया एंड यू कैन सी आप फिर से उसी तरीके से सेम टू सेम कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू एक्सपोर्ट चैट्स यूजिंग व्हाट्सएप। सो गाइज, नाउ आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ the WhatsApp chat analyzer that I have made. So I'll share my screen. So this is the chat analyzer. ये अभी Heroku पे deployed है, इसका मतलब आप भी इसको use कर सकते हो। बस वहाँ पर एक restriction है कि आप जो chat files upload करोगे, जो text files आप upload करोगे, वो 24 hours date format में होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो code लिखा है वो 24 hours date format को support करता है। कुछ दिनों में आई विल चेंज दैट कोड टू AM/PM वाला कोड ऑल्सो। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो आपको एक ग्रुप का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा कैंपस एक्स का वेब डेवलपमेंट बैच का ग्रुप चैट है और जैसे आप इसको अपलोड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ऐप आपको एक ड्रॉपडाउन में सारे मेंबर्स का नाम दिखाएगा, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका नाम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। आप ओवरऑल ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हो और आप किसी इंडिविजुअल मेंबर के बारे में भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले आपको ओवरऑल एज इन पूरे ग्रुप का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, शो एनालिसिस बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये एनालिसिस स्टार्ट हो गया। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं और थोड़ा सा आई टेक लेस स्पेस और यहां से आई सेलेक्ट सेटिंग वाइड, राइट। सो यहां से हमने फाइल अपलोड किया था और शो एनालिसिस पे क्लिक किया था और अब ये देखो गाइस, टॉप स्टैटिस्टिक्स आएगा सबसे पहले कि टोटल कितने मैसेजेस भेजे गए हैं उस ग्रुप में, कितने वर्ड्स भेजे गए हैं टोटल सारे मैसेजेस मिला करके, कितनी मीडिया फाइल्स शेयर्ड हुई हैं। सो आप जिप्स वगैरह शेयर करते हो, मीम्स शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो तो उसका काउंट बता रहा है ये, कितने लिंक्स शेयर किए आपने, जो भी लिंक्स आप शेयर करते हो ग्रुप्स में, राइट। उसके बाद ये है मंथली टाइमलाइन, ठीक है, कि मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपका ग्रुप में एक्टिविटी कैसा है पूरे ग्रुप मेंबर्स का मिला करके। तो यू कैन सी इनिशियली बहुत ज्यादा था, फिर ग्रेजुअली इट डाइड आउट, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा ही होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ने में।
उसके बाद मैंने डेली टाइमलाइन बनाया है कि डेली कितने मैसेजेस हुए पूरे के पूरे पीरियड में. यू कैन सी शुरू में बहुत ज्यादा हाई आपको पीक्स दिखाई देंगे और ग्रेजुअली इट फेडेड आउट जैसे जैसे ग्रुप बंद होने लगा. ठीक है, उसके बाद मैंने एक्टिविटी मैप्स बनाए हैं कि सबसे ज्यादा बातचीत कौन से दिन होती है. जैसे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बातचीत मंडे को होती है, उसके बाद संडे को, और सबसे कम बातचीत फ्राइडे को होती है. ठीक है, फिर मैंने ये भी निकाला कि सबसे बिजी मंथ कौन सा था इस ग्रुप के लिए, एंड जून के महीने में यहाँ पे सबसे ज्यादा बातचीत हुई है. ठीक है, और सबसे कम बातचीत हुई है मई में. ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला वीकली एक्टिविटी मैप. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे के पूरे दिन को 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक, एंड सो ऑन. और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे सारे के सारे डेज रख दिए. सो ये ग्रिड है, और इस ग्रिड को देख के आपको समझ में आएगा कि पूरे वीक में किस पॉइंट पे आपके ग्रुप के यूजर्स सबसे एक्टिव रहते हैं और लीस्ट एक्टिव रहते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, 3 से 4 बजे तक सुबह की बात हो रही है, सुबह के 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 7 से 8, और इवन 8 से 9. ये इस पीरियड में मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे जो शेड है ये डार्कर शेड है. डार्कर मतलब कम मैसेजेस. वेयर एज अगर आप 8 से लेके 9 बजे का बात करो या 9 से 10 बजे का बात करो, उस टाइम पे यूजर्स सबसे ज्यादा एक्टिव है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है. उसके बाद हमने निकाला कि सबसे बिजी यूजर्स कौन थे, सबसे ज्यादा मैसेज करने वाले यूजर्स कौन थे. तो मैं ही हूँ वैसे इस ग्रुप में, इसलिए मेरा बार चार्ट सबसे हाई है. और उसके बगल में मैंने एक डेटा फ्रेम प्रिंट कराया है, हर यूजर का चैट कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंट. जैसे ओवरऑल इस ग्रुप में जितने भी चैट्स किए गए, उसका 23% चैट मैंने अकेले ने किया. ठीक है, तो आई वॉज द मोस्ट चैटियर वन. ठीक है, उसके बाद मैंने वर्ड क्लाउड्स जनरेट किए, सारे के सारे वर्ड्स को एनालाइज किया, और उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है. वीडियो, क्लास, प्रॉब्लम, जूम, कोलकाता, टॉपिक, मीटिंग, जो भी चैट सबसे ज्यादा हो रहा था वो मैंने सामने ले आया. उसके बाद सबसे कॉमन वर्ड्स जो मेरे ग्रुप वाले यूज करते हैं वो ये सब है, क्लास, सेशन, मीटिंग, बिकॉज ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ग्रुप है, दैट इज वाई. और या दिस इज द ओवरऑल टॉप 20 मोस्ट यूज वर्ड्स. ठीक है, और लास्ट में मैंने इमोजीज का एनालिसिस किया कि सबसे ज्यादा कौन से इमोजीज यूज हुए हैं, और इन उन इमोजीज का पाई चार्ट के थ्रू परसेंटेज निकाला. ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्रुप लेवल एनालिसिस. ठीक है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर यूजर को, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को आप सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से मैंने इस यूजर को सेलेक्ट किया और फिर से शो एनालिसिस पे क्लिक किया. अब ये जो पूरा डेटा है ये उस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से आएगा. लेट मी शो यू, थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज काफी सारे कैलकुलेशंस बिहाइंड द सीन चलते हैं. सो या ये देखो गाइस, अब ये जो स्टैट्स वगैरह आ रहा है ये इस यूजर के हिसाब से आ रहा है. इस यूजर ने सिर्फ 191 मैसेजेस किए, 839 वर्ड्स, इसने 21 मीडिया फाइल शेयर की, 8 लिंक शेयर किया. ये इसका मंथली टाइमलाइन है, ये इसका डेली टाइमलाइन है. ये सबसे ज्यादा बिजी संडे को था, लीस्ट बिजी ट्यूजडे को था, सबसे बिजी जुलाई में था. ये इसका वीकली एक्टिविटी मैप है, और ये कभी कभी 3 से 4 बजे रात को भी बहुत एक्टिव रहता है. और ये रहा इसका वर्ड क्लाउड. ठीक है, और ये रहे इसके सबसे कॉमन वर्ड्स, और ये रहे इसके इमोजीज. ठीक है, अब आप कोई भी यूजर को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और आपको उसका एनालिसिस देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का एनालिसिस हो रहा है, सिंगल लेवल भी एक यूजर के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से भी. सो ये जो यूजर है इसके इतने मैसेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतनी मीडिया फाइल्स हैं, इतने लिंक्स इसने शेयर किए, ये इसके ग्राफ्स हैं, ये सारे ग्राफ्स हैं इसके. ये इसका सबसे एक्टिविटी मैप है, ये इसका वर्ड क्लाउड है, और ये इसके कॉमन वर्ड्स, और बिल्कुल सेम टू सेम. अब अच्छी बात क्या है इस एप्लीकेशन की, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रुप चैट्स एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे. आपने अगर अपने फ्रेंड के साथ काफी दिनों से बातचीत की और आप उसको एनालाइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. यू हैव टू गो टू ब्राउज फाइल्स, और मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ जो मेरा चैट था मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ. ये 1-on-1 चैट है, सो इसलिए आपको यहाँ पे दो ही यूजर्स दिखाई दे रहे हैं. तो मैं ओवरऑल पहले आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज द ओवरऑल चैट. टोटल 2800 मैसेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, 84 मीडिया फाइल शेयर हुई हैं, 55 लिंक्स शेयर हुए हैं. ये हमारा
ये हमारा मंथली टाइमलाइन है, हम इस पीरियड में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, इफ आई गेस उस पॉइंट पे इस बच्चे का प्लेसमेंट वगैरह चल रहा था। डेली टाइमलाइन कुछ ऐसा है, एक्टिविटी मैप संडे को हम लोग सबसे ज्यादा चैट करते हैं, मार्च के महीने में हमने सबसे ज्यादा चैट किया था, और ये रहा वीकली मैप, रात के टाइम ज्यादा बातचीत होती है, ज्यादा बातचीत उस स्टूडेंट ने की है, मैंने कम मैसेजेस किए हैं, 60% मैसेजेस उसने किए हैं, 39% मैंने किया है, बाकी के ग्रुप नोटिफिकेशंस हैं, और ये हमारे बीच की चैट है, ये हमारे कॉमन वर्ड्स हैं, और ये हमारा इमोजीज हैं, दीज आर आर इमोजीज। ठीक है, अब इसमें भी मैं किसी एक बंदे को पकड़ के एनालिसिस कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया और ये मैंने मैसेजेस भेजे, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा चैट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बिल्ड करेंगे और उसको Heroku पे डिप्लॉय करेंगे। आई होप यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। मैंने चैट डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप में और अब हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सो सबसे पहले मैंने जुपिटर के अंदर एक नया फोल्डर बना लिया है व्हाट्सएप चैट एनालिसिस के नाम से। यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज सबसे पहले तो आई अपलोड द चैट्स। मैं एक्चुअली अपने ही दो बैचेस का चैट जो व्हाट्सएप में हमारे स्टूडेंट्स करते थे, मैं उन चैट्स को अपलोड कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये दो चैट्स हैं हमारे, इन दोनों को मैंने अपलोड कर लिया और अब मैं एक नया पाइथन 3 नोटबुक बना रहा हूँ लाइक दिस। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ एज व्हाट्सएप चैट एनालिसिस। ठीक है, अब देखो गाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट, हमारा जो चैट है वो एक टेक्स्ट फाइल के अंदर है। मुझे उस टेक्स्ट फाइल के अंदर से उसको चैट को एक्सट्रैक्ट करके पैंडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो गाइस थोड़ा सा कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ऑनेस्टली ये कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल से डेटा को उठा करके पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ऑल। सो मैंने ये कोड पहले से लिख रखा है, आई विल एक्सप्लेन इट और मैं आपको बता दूंगा कि आप ये कैसे बना सकते हो, बट इस पॉइंट पे इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज अ कोड जो आप बार बार रिपीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डू डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा ही है कोड। सो सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरीज इम्पोर्ट की, एक RE स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन और दूसरा पैंडास। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन किया यूजिंग फाइल हैंडलिंग पाइथन में जो भी रहता है। जस्ट मेक श्योर यहाँ पे आपको एनकोडिंग UTF-8 करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो ये हमारी स्ट्रीम ओपन हो चुकी है और फिर जैसे ही मैंने f.read किया तो मैंने उस फाइल का सारा कॉन्टेंट रीड कर लिया स्ट्रिंग के फॉर्म में और उसको मैंने डेटा के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, सो जैसे ही डेटा के अंदर स्टोर किया आई कैन एक्चुअली प्रिंट इट। सो यू कैन सी दिस इज द कॉन्टेंट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और काफी सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस इज इनसाइड अ स्ट्रिंग। सो अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा करोगे तो आपको मिलेगा str एज इन स्ट्रिंग। सो हमारे पास इस पॉइंट पे स्टेटस क्या है कि पूरा का पूरा जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का चैट है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे इसको किसी तरीके से कन्वर्ट करना है इनटू अ पैंडास डेटा फ्रेम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या किया कि मुझे इसको एनालाइज करने के बाद मुझे क्या करना था, अभी मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मैं डेट अलग कॉलम में डाल दूं और यूजर का नाम और उसका मैसेज अलग कॉलम में डाल दूं। मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूं जिसमें दो कॉलम्स होंगे, मैसेज डेट। ठीक है, मैसेज में यूजर का नाम भी होगा और मैसेज का कॉन्टेंट भी होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग लिखा और ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग लिखना बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। आप ये टूल यूज कर सकते हो regex101.com, यहाँ पे आप अपना मैसेज पूरा डाल दो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टूल बिल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, मैं आपको रफली समझा सकता हूँ। आप कोई भी मैसेज पकड़ो तो एक पैटर्न है वहां पे, मुझे क्या करना है, मुझे इसके बेसिस पे ब्रेक करना है ऐसा।
ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो पहला नंबर होगा, जो पहला टेक्स्ट होगा वो एक डिजिट होगा, उसमें एक नंबर भी हो सकता है और दो नंबर भी हो सकता है, विच इज दिस वन, ठीक है। उसके बाद एक स्लैश आएगा, उसके बाद फिर से एक डिजिट आएगा जिसमें एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और स्लैश, उसके बाद फिर से एक डिजिट आएगा जिसमें दो नंबर भी हो सकते हैं, चार नंबर भी हो सकते हैं क्योंकि ईयर है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा आएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, दिस इज द स्पेस। उसके बाद फिर से एक डिजिट आएगा जिसमें एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकता है। उसके बाद कोलोन आएगा, उसके बाद फिर से एक डिजिट आएगा जिसमें दो नंबर्स होंगे लाइक दिस, और उसके बाद फिर से एक स्पेस आएगा दिस वन, उसके बाद एक हाइफन आएगा और उसके बाद एक और स्पेस आएगा। सो बेसिकली मैंने यहां तक का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग बना दिया, इसी को मैं पैटर्न बुला रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, आरी डॉट स्प्लिट फंक्शन को कॉल करके अपना पैटर्न दे दिया और अपना पूरा डेटा दे दिया, और ये मैं भी हटा देता हूँ फिलहाल। और फिर मैंने जैसे ही मैसेजेस को प्रिंट किया, ये देखो गाइस, एक लिस्ट के अंदर सारे मैसेजेस आ गए, बट समहाउ शुरू में एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा था, इसलिए उसको हटाने के लिए मैंने वन ऑनवर्ड्स इस लिस्ट के अंदर चीजें ले ली लाइक दिस। सो मेरे पास पहला मैसेज ये रहा, ठीक है, और ये पूरा एक लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। सिमिलरली मुझे डेट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, फाइंड ऑल किया और फिर से पैटर्न और डेटा दे दिया, और अब जब मैंने डेट्स के लिए रन किया तो सारे डेट्स अलग एक्सट्रैक्ट हो गए। तो अब मेरे पास दो अलग लिस्ट है, एक में यूजर का नाम और उसका मैसेज है, और दूसरे में जिस डेट पे वो मैसेज किया गया वो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है, मुझे एक पैंडास डेटा फ्रेम बनाना है जहां पे एक कॉलम का नाम होगा यूजर मैसेज और दूसरे कॉलम का नाम होगा मैसेज डेट, ठीक है। और मैंने ये दोनों लिस्ट वहां पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और एक और चीज किया मैंने, जो मैसेज डेट था उसको एक्सप्लिसिटली मैंने डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। और अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, यू कैन सी ये रहा मेरा डेटा फ्रेम। सो अगर मुझे देखना है मेरे पास कितने मैसेजेस आए हैं इस ग्रुप के अंदर, तो मैं सिंपली शेप लगा सकता हूँ, एंड यू कैन सी 2120 मैसेज आए हैं एंड दीज आर द टू कॉलम्स, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि मैंने जो ये पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न सिर्फ 24 आवर्स डेट फॉर्मेट के ऊपर ही काम करेगा। सो अगर आपके फोन में आप चेक करो, व्हाट्सएप में अगर आपका 12 आवर फॉर्मेट है जहाँ पे AM PM लिखा रहता है, तो ये वाला पैटर्न AM PM वाली चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा और आपका कोड एरर थ्रो करेगा। तो ये आप टास्क की तरह लो कि आप इसमें चेंजेस करो और इसको AM PM फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो, बहुत इजी काम है। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा लेजी हो गया और मैंने नहीं किया, बट आप बहुत इजीली कर सकते हो ऑनेस्टली ये टूल यूज करके, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब एक जो यहाँ पे लफड़ा है वो ये है कि यूजर का नाम और मैसेज एक सिंगल कॉलम में है, तो मुझे क्या करना है, अब यूजर का नाम अलग करना है और मैसेज अलग करना है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा, अगर आप इस कोड को पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है। बेसिकली मैं एक बार लूप चला रहा हूँ यूजर मैसेज कॉलम के ऊपर, और मैं इस पैटर्न के ऊपर स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर स्प्लिट कर रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी मैसेज में एक नाम है, उसके बाद कोलोन है और उसके बाद कुछ और स्ट्रिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया लिस्ट बना रहा हूँ यूजर्स बोल के, उसमें मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ सारे यूजर्स को, और जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है कोलोन के बाद, उसको मैं मैसेजेस के अंदर डाल दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग आ रहा है जहां पे ये कोलोन वाली चीज नहीं है, मतलब ये ग्रुप नोटिफिकेशन है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर्स में अपेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप नोटिफिकेशन, और बाकी नॉर्मल मैं मैसेज को एज इट इज मैसेज में डाल दे रहा हूँ। और ये मैंने नए कॉलम्स बना दिए, यूजर मैसेज, और अब जब मैं df डॉट हेड कर रहा हूँ, ये रहा गाइस मेरा आउटपुट। सो अब मेरा डेट अलग आ चुका है, मेरा यूजर अलग आ चुका है और मेरे मैसेजेस अलग आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कोड है और यही प्री प्रोसेसिंग आपको करना है। इसमें बस एक फ्लॉ है, मैंने आपको बता दिया कि ये 24 आवर्स डेट फॉर्मेट के लिए सही से काम करेगा, 12 आवर्स वाले डे फॉर्मेट के लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाकर के इस रेगेक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो मेरा डेट कॉलम है ना, इसको मैं और ब्रेक डाउन करूंगा, मैं ईयर अलग एक्सट्रैक्ट करूंगा, मंथ अलग एक्सट्रैक्ट करूंगा,
डे अलग एक्सट्रैक्ट करूंगा, ये सब कुछ अलग अलग कर लूंगा मैं, और उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स स्ट्रीमलेट, जहां पे हम इसको एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग ईयर एक्सट्रैक्ट करते हैं डेट टाइम के अंदर से। बहुत ही सिंपल है, सिंस हमने इसको ऑलरेडी डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है, अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स है जिनको यूज करके हम इन सारे प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, अगर आप ये कोड लिखो तो ये सारे डेट्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसके आगे अगर आप dt.year लगा के रन करो, ये हमने सारे ईयर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं ईयर बोल के, लाइक दिस, और अब df.head करने पे यू वुड सी कि हमारे पास लास्ट में एक नया कॉलम आ गया जहां से हम ईयर देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम मंथ का नाम निकालेंगे, मंथ नहीं मंथ का नाम। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको लिखना है डेट डॉट, एक फंक्शन होता है dt.dt.month अंडरस्कोर नेम फंक्शन, और ये आपको सारे मंथ दे देगा। सो यू कैन सी ये सेवेंथ मंथ था, इसलिए जुलाई आ रहा है। सो अगेन आई वुड राइट मंथ is equal to this, ठीक है? Similarly, I'll extract day of the month. So I would write df का date dot dt dot day. ये day extract हो रहा है, ठीक है? 19 है. So again, I would write day. Similarly, मुझे hours और minutes extract करने हैं, तो उसका कोड मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ. Hour is equal to date dot dt dot hour or df minute is equal to df date dot dt dot minute. और अब अगर आप df dot head करो, हमारा data frame ready हो गया। ये देखो, this is our data frame. ठीक है, अब ऑनेस्टली हमें इस डेट कॉलम का जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट ठीक है चलो अभी रख लेते हैं। सो या प्री प्रोसेसिंग का काम हमारा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीमलेट में जाएंगे और वहां पर हम लोग एक ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे जहां पे हम ये पूरा डेटा फ्रेम पहले तो डिस्प्ले करवाएंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट गाइस हम लोग पाइचार्म स्टार्ट करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम होगा WhatsApp Chat Analyzer, और हम वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करेंगे। एक चीज और गाइज, आपका जो बेस इंटरप्रेटर है वो आप 3.7 रखना, जस्ट मेक श्योर, क्योंकि हम जो कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो पाइथन 3.8 और पाइथन 3.9 पे नहीं चलती है। मैंने ट्राई करके देखा, जैसे कि हम लोग वर्ड क्लाउड यूज करने वाले हैं, वो पाइथन 3.8 और 3.9 पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, सो मैंने जैसे ही पाइथन 3.7 किया तो वो काम करने लग गया। तो ऐसा होता है कभी कभी, नए वर्जन थोड़े अनस्टेबल होते हैं, पुराने वर्जन ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो 3.7 और 3.9 में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो आई सेलेक्ट 3.7 और मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और आई क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट लाइक दिस। दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्ट्रीमलेट। ठीक है, क्योंकि दैट विल बी द बेस लाइब्रेरी, सबसे ज्यादा यूज उसी का होने वाला है। सो गाइज, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बना रहे हैं, और ये एक पाइथन फाइल होगी, उसका नाम होगा ऐप। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आई विल इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी। ठीक है, और ऑब्वियसली अब ये लाइब्रेरी नहीं है क्योंकि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो वी वुड राइट पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। आपको इंटरनेट चाहिए पड़ेगा और थोड़ी देर में लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मीनवाइल मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, अगेन एक पाइथन फाइल, और इसका नाम है प्री प्रोसेसर डॉट पी वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्री प्रोसेस बोल के, जिसको एक डेटा मिलेगा, टेक्स्ट डेटा, स्ट्रिंग डेटा मिलेगा, और
ये फंक्शन हमें पलट करके हमारा डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली जस्ट कॉपी पेस्ट ये सारे कोड्स, और जैसे कि सबसे पहले आई विल पेस्ट द पैटर्न लाइक दिस, आई विल एक्सट्रैक्ट द मैसेजेस, आई विल एक्सट्रैक्ट द डेट्स, I will also copy this much code and I will also copy this code. यहां तक हमने तीनों कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर दिए और उसके बाद हम इतना कोड और कॉपी कर लेंगे. कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट एंड दैट्स इट. हमारा डेटा फ्रेम इस पॉइंट पर रेडी हो जाएगा और हम उस डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो दिस इज अ बिग फंक्शन बट इसका काम बहुत सिंपल है. इसको अगर आप टेक्सचुअल स्ट्रिंग डेटा दे रहे हो तो ये आपको रिटर्न करेगा आपके डिजायर्ड फॉर्मेट में डेटा फ्रेम जो आपको चाहिए, ठीक है? तो यहां तक सब कुछ ठीक है. अब हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि हमें एक, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक बेसिक ऐप बना के रन करते हैं. तो आई वुड राइट st.sidebar.title WhatsApp chat analyzer. और इसको रन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. यू हैव टू सिंपली रन दिस कमांड स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई. मैंने नाम गलत लिखा, स्ट्रीम किट नहीं है, स्ट्रीमलेट है. एंड इट विल ओपन अप इन अ न्यू टैब और ये रहा गाइस हमारा ऐप. इसको मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ. So yeah, फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कोड लिखना है जिसकी वजह से क्या होगा कि आप फाइल्स अपलोड कर पाओगे, ठीक है? और ये करने के लिए मुझे एक बार स्ट्रीमलेट के डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा और वहां पे आई विल फाइंड अपलोड. या फिर फाइल एपीआई रेफरेंस में जाते हैं और यहां पे पता करते हैं फाइल अंडरस्कोर अपलोडर. ये रहा वो फंक्शन जो हम यूज करेंगे और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. आई विल जस्ट कॉपी दिस मच आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. So, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. और यहाँ पे टैब आएगा st.sidebar में चाहिए मुझे ये. या चूज अ फाइल, या दिस इज फाइन. एक बार हम इसको दोबारा रन करेंगे एंड यू कैन सी अब मेरे पास ये आ चुका है. मैंने इस पर क्लिक किया और मैं गया मेरे पीसी में, यूजर्स, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट्सएप चैट एनालिसिस, दिस इज द चैट और यहाँ पे ये फाइल तो आ रही है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इस फाइल को अभी जो फाइल है ये एक्चुअली एक स्ट्रीम है, बाइट डेटा का स्ट्रीम है. हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. अब सी, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपली ये वेरिएबल को लेना है और आपको डीकोड फंक्शन को कॉल कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है UTF-8. आप इसको UTF-8 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो और इसको आप बोलोगे डेटा. और इसी डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, st.text के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? सो अभी क्या होगा, आप जो फाइल अपलोड करोगे उसका डेटा स्क्रीन पे दिखने लगेगा. लेट मी शो यू.
So if I go and if I reload this, browse files, chat, open, you can see ये सारा data अब मुझे दिख रहा है, ठीक है? So यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें next क्या करना है, हमें ये pre-processor हमने जो function बनाया था, ये pre-process जो function बनाया था, हमें इस function को call करना है, ठीक है? इस function को call करना है, और इसको data provide करना है, और ये पलट के हमें data frame provide करेगा, बस दो problems हैं यहाँ पे, ये दोनों libraries हमें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, तो what I will do is, I would write import re, ये पहले से आता है, and import pandas as pd, ये Streamlit के साथ automatically install हो गया था, तो अब ये पूरा function ready है, now what I would do is, यहाँ पर I would first of all import preprocessor, ठीक है, और यहाँ पे I would write df is equal to preprocessor dot preprocess, और यहाँ पे मैं data pass कर दूँगा, अब मेरे पास मेरा data frame आ चुका है, तो I would write st dot डेटा फ्रेम डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन होता है स्ट्रीमलेट में जिसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं वहां पे हम df को डाल देंगे ठीक है और अब जब मैं वापस जाऊंगा रीलोड करूंगा और यहां से आई विल सेलेक्ट द चैट ये देखो गाइस यू कैन सी हमने हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्म में सब कुछ आ गया जो चीज हमने यहाँ पे की थी सेम चीज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है ठीक है नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर एनालिसिस इस पॉइंट से हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे ठीक है एक चीज और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ पहला चेंज ये है कि मुझे वाइड मोड चाहिए सो दैट मैं ज्यादा स्पेस ले पाऊँ और या दैट्स इट फिलहाल मुझे इतना ही चाहिए ठीक है सो या वी आर रेडी नाउ विल स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा सो नेक्स्ट गाइस हम लोग एक काम करेंगे हम लोग जैसा मैंने दिखाया आपको वीडियो की शुरुआत में हम लोग एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे जहां से हम किसी भी यूजर को सेलेक्ट कर पाएंगे सो उस ड्रॉप डाउन में उन सारे यूजर्स का नाम होगा जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में है ठीक है अगर दो लोगों के बीच का चैट है तो उन दोनों लोगों का नाम होगा क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे वो दो टाइप का एनालिसिस होगा एक ग्रुप लेवल पे और एक यूजर लेवल पे ठीक है तो उसके लिए हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए वो ड्रॉप डाउन मैं बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कि कितने यूनिक यूजर्स मेरे पास है ठीक है तो व्हाट आई विल डू इज ये डिस्प्ले करने के बाद आई वुड राइट फेच यूनिक users ठीक है बहुत सिंपल कोड है आपके पास df है df के अंदर आपके पास एक कॉलम है यूजर सो आप लिखोगे यूजर डॉट यूनिक यूनिक और इसको आप टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे ठीक है और इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो यूजर लिस्ट राइट और फिर आप यहां पे लिखोगे st डॉट साइड बार डॉट सेलेक्ट बॉक्स और यहां पे लिखेंगे शो एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू कॉमा यूजर लिस्ट ठीक है दिस इज द कोड एक बार देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है सो अगर मैं इसको रीलोड करूं और ब्राउज फाइल पे जाऊं और सेलेक्ट करूं तो यू कैन सी यहां पे क्लियरली मुझे मेरे सारे यूजर्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर ऑल द यूजर्स ठीक है यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशन भी है क्योंकि हमारे पास ग्रुप नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ग्रुप नोटिफिकेशन हटाना पड़ेगा और उसके बाद यूजर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर लिस्ट डॉट remove since it is a python list I will remove group notification remove ho gaya also I will do user list dot sort ascending order mein sort ho gaya aur main ek cheez aur karunga main user list mein insert karunga overall एक वर्ड सबसे ऊपर जो ग्रुप लेवल एनालिसिस होगा वो ओवरऑल पे क्लिक करने पे होगा और ये मैं जीरोथ पोजीशन पे डाल रहा हूं ठीक है सो दिस इज द कोड अब अगर हम इसको रीरन करें hmm,
str ऑब्जेक्ट, अच्छा मैंने गलत किया, मुझे पहले पोजीशन बताना होगा और फिर बताना होगा कि मुझे क्या इंसर्ट करना है, लाइक दिस। सो अब अगर मैं इसको रीरन करूं, होपफुली हमारा काम हो जाना चाहिए। ये देखो सबसे पहले ओवरऑल आ रहा है, ओवरऑल अगर है तो हम ग्रुप लेवल एनालिसिस दिखाएंगे, अदरवाइज हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी यूजर को। किसी भी यूजर को सेलेक्ट करते ही उस यूजर का एनालिसिस आने लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे, इफ st.sidebar.button शो एनालिसिस, अगर ये कोई क्लिक करेगा तो फिर एनालिसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां से मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे सारे यूजर्स आ गए, यहां से आई विल सेलेक्ट समथिंग और मैं क्लिक करूंगा शो एनालिसिस, तो यहां पे एनालिसिस आने लगेगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस वाला पार्ट। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग हमारा सबसे पहले स्टैट्स दिखाएंगे, ग्रुप के स्टैट्स या फिर इंडिविजुअल लेवल स्टैट्स दिखाएंगे। स्टैट्स में हम तीन चार चीजें दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है, मैंने चार चीजें डिसाइड की हैं। मैं दिखाऊंगा कि टोटल कितने मैसेजेस शेयर हुए हैं इस ग्रुप में, नंबर ऑफ वर्ड्स जो लोगों ने टाइप किए हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ मीडिया फाइल्स, ठीक है। आप चाहो तो और चीजें डिस्प्ले कर सकते हो, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने थे, एक्चुअली नंबर ऑफ सेंटेंसेस और नंबर ऑफ मैसेजेस सेम हो गए, नंबर ऑफ इमोजीज कितने थे, कितने दिनों से चैट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप शो कर सकते हो, बट मैं चार चीजें शो करूंगा। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस जगह पे आई विल फर्स्ट क्रिएट बीटा कॉलम्स, st.beta columns and I'll create four columns, ठीक है। So I will have column 1, column 2, column 3 and column 4, okay? और what I will do is कि with column 1 I would write st.header और यहां पर मैं लिखूंगा total messages, ओके और इसको एक बार हम लोग रन करेंगे, जस्ट वन सेकेंड, रीरन करेंगे, शो एनालिसिस यहां पे दिखाई दे रहा है टोटल मैसेजेस, ठीक है। अब इसके नीचे हमें वो नंबर डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए एक और पाइथन फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा हेल्पर, और हेल्पर के अंदर मैं फंक्शंस बनाऊंगा। तो मेरा पहला फंक्शन है फेच स्टैट्स, ठीक है, फेच स्टैट्स। और फेच स्टैट्स क्या करेगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि ये जो सेलेक्ट बॉक्स है यहां पर, जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ सेलेक्टेड यूजर बोल के, and what I will do is कि I will first of all import helper और यहां पर I would write helper dot fetch stats और इसको चाहिए होगा user type और user type होगा जो भी selected user होगा, या इनफैक्ट नाम सिमिलर रखने के लिए यहां पर भी लिख देते हैं सेलेक्टेड यूजर, ठीक है। और साथ ही साथ इसको चाहिए होगा द डेटा फ्रेम आल्सो, सो विल पास द डेटा फ्रेम। अब यहां पे हम लिखेंगे कि इफ सेलेक्टेड यूजर इज इक्वल टू ओवरऑल, इसका मतलब हमें ग्रुप लेवल एनालिसिस चाहिए, और ग्रुप लेवल में हमें पता करना है कि नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हैं। तो बहुत सिंपल है, हम रिटर्न कर देंगे df डॉट शेप का 0, ठीक है, और यहां से मुझे पलट के मिल जाएगा num messages लाइक दिस, ठीक है। और
उसी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा st.title के अंदर आई वुड डिस्प्ले num messages, ठीक है. दिस इज द कोड ओवरऑल सेलेक्टेड है अभी शो एनालिसिस 2120 मैसेजेस डिस्प्ले हुए हैं अभी तक ग्रुप में आए हैं, ठीक है. इसको चेक करते हैं किसी और दूसरे फाइल के साथ. एक दूसरा ग्रुप था मेरा, मैं उसके साथ चेक कर रहा हूँ. शो एनालिसिस 4572, इस ग्रुप में थोड़े ज्यादा मैसेजेस हैं, ठीक है. अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. एल्स में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे df user, जो भी यूजर है, equal to selected user. हम मास्किंग कर रहे हैं और इस नए वाले का शेप का जीरो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर ओवरऑल है तो पूरे डेटा फ्रेम का शेप का जीरो, और अगर कोई एक स्पेसिफिक यूजर सेलेक्टेड है तो उस यूजर ने कितने मैसेजेस किए हैं हम वो निकाल रहे हैं. बेसिकली लेट मी शो यू, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है. सो अगर लेट्स से यूजर है नितिश सिंह, व्हाट आई विल डू इज आई विल फेच ऑल द रोज जहां पे यूजर इज इक्वल टू नितिश सिंह, और उन रोज को मैं फेच कर रहा हूं लाइक दिस. ये आई विल जस्ट रन ऑल, जस्ट गिव मी वन मिनट. सी ये रहे वो सारे रोज जहां पे यूजर इज नितिश सिंह, और अब इसका अगर मैं शेप निकालूं तो उसका जो जीरो आइटम है वो बता रहा है कि उस पर्टिकुलर यूजर ने कितने मैसेजेस किए हैं, तो वही मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब अगर मैं वापस जाऊं अपने चैट ऐप में और इसको रीलोड करूं अगर, और लेट्स सेलेक्ट अ फाइल, अगर मैं यहां से सेलेक्ट करूं खुद का नाम और शो एनालिसिस पे क्लिक करूं, तो मैंने 787 मैसेजेस भेजे, ठीक है. अगर मैं ग्रुप चेंज करूं और यहां पे अपना नाम अगर सेलेक्ट करूं, यहां पे मैंने 1000 मैसेजेस भेजे. किसी और यूजर का सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से ये यूजर है, इसने 87 मैसेजेस भेजे हैं, 43 218, ठीक है. तो हम एक चीज तो क्लियरली निकाल पा रहे हैं कि ओवरऑल ग्रुप में कितने मैसेजेस हैं और एक पर्टिकुलर यूजर ने कितने मैसेजेस भेजे हैं, ठीक है. अब हम लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे ऑन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पे. सो गाइज, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना भी बहुत सिंपल है. हमें क्या करना है, हमें मैसेजेस वाले कॉलम में घुसना है. दिस इज द मैसेजेस वाला कॉलम, राइट. हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे फॉर मैसेज इन दिस कॉलम प्रिंट ऑल द मैसेज. एक एक करके सारे मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे. और अब हम क्या करेंगे कि मैसेज को स्प्लिट करेंगे स्पेस के ऊपर लाइक दिस. ये सारे मैसेजेस स्प्लिट हो गए. अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वर्ड्स बोल के, जो कि शुरू में एम्प्टी होगा, एक लिस्ट होगा बेसिकली. और व्हाट आई विल डू इज वर्ड्स में आई विल एक्सटेंड दिस एंटायर थिंग. और अब अगर मैं लेंथ ऑफ वर्ड्स निकालूं, तो ये रहे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन दिस ग्रुप, ठीक है. तो हमें यही काम करना है. आई विल गो बैक टू माई कोड, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे फेच स्टैट्स में ही मैं ये कोड लिखूंगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे num messages is equal to df dot shape. पहली चीज निकाल ली हमने. यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ. फर्स्ट हम लोग फेच कर रहे हैं नंबर ऑफ मैसेजेस. उसके बाद हम फेच कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स.
नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बेसिकली ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीजें रिटर्न कर सकते हैं, नम मैसेजेस और वर्ड्स। ठीक है, सेम यहां पे भी होगा, या तो इफ में घुसोगे या तो एल्स में घुसोगे। तो अगेन नम messages is equal to this thing, in fact एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को यहां पे डाल के new df बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं new df का shape। और words के लिए हम क्या करेंगे, copy करेंगे ये पूरा code और यहां पे डाल देंगे, और यहां पे df के बदले आ जाएगा न्यू df, और यहां भी हम रिटर्न कर देंगे यही दो चीजें। ठीक है, दिस इज द कोड। अब हमें यहां पे दो चीजें मिल रही है, num messages और words। और अब हम यहां पे कोड लिखेंगे विथ कॉलम टू, आई विल कॉपी दीज टू पीसेस ऑफ कोड्स and paste it over here, और यहाँ पे लिख देंगे total words, और यहाँ पे आ जाएगा words। ठीक है, तो अब ये code भी flexible है पूरे group के लिए भी और single user के लिए भी। so अगर मैं वापस जाऊँ और इसको अगर मैं rerun करूँ, और अब show analysis पे click करने पे, सॉरी, हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ वर्ड्स रिटर्न करना है, लेंथ ऑफ वर्ड्स, नहीं तो पूरे का पूरा वर्ड्स का लिस्ट प्रिंट हो जा रहा है। आई विल गो बैक, शो एनालिसिस 25,000 वर्ड्स है 4500 मैसेजेस में। किसी एक पर्टिकुलर यूजर का अगर हम पकड़े, जैसे मैं अपना ही नाम देखता हूं, शो एनालिसिस, ठीक है 1000 में सही है, 87 मैसेजेस में 515 वर्ड्स, सात सौ पंद्रह मैसेजेस में 3235 वर्ड्स। ठीक है, तो दो सेट्स तो हमने कर लिए, अब बचे नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ मीडिया आइटम्स। एक चीज कर रहे हैं गाइज, हम लोग कोड थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फालतू में कोड थोड़ा बड़ा हो गया। व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ सेलेक्टेड यूजर नॉट इक्वल टू ओवरऑल, तो आई वुड राइट दिस कोड, copy paste। अगर selected user overall नहीं है, मतलब कोई specific user है, in that case df को मैं change कर रहा हूँ, otherwise मैं df को वैसा ही रहने दे रहा हूँ। और num messages में कैसे extract कर रहा हूँ, using this simple code, और ये वाला code as it is रहेगा, copy paste, और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एज इट इज रहेगा लाइक दिस। और अब मुझे बाकी के कोड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो मैंने थोड़ा सा बस रीस्ट्रक्चरिंग करके कोड को सही से लिख लिया, पहले एक्चुअली क्लियर नहीं था दिमाग में कि फंक्शन कैसे बनेगा, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है तो अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। और यहां पे आ जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, नम मैसेजेस एंड लेंथ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है या नहीं। सो अगर मैं चाहूं ओवरऑल एनालिसिस करना तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट, अगर मैं चाहूं किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए तो भी आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। एक और चेक कर लेते हैं, एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो बेसिकली मैंने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करके कोड को एफिशिएंट कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट विल फाइंड द नंबर ऑफ मीडिया मैसेजेस।
सो गाइज, मीडिया मैसेजेस फाइंड करने का तरीका बहुत इजी है. मैंने जब अपना डेटा एक्सपोर्ट किया था, मैंने वहां पे सेलेक्ट किया था कि मीडिया फाइल्स को इंक्लूड मत करो. और वैसा करने की वजह से मेरे पास जो डेटा है वहां पे, जिस भी जगह पे मैंने मीडिया फाइल्स यूज की थी चैटिंग के टाइम, वहां पे अब एक मैसेज आ गया मीडिया ओमिटेड बोल के. ठीक है, आई विल शो यू. जैसे दिस इज द डेटा. मैं यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी मैंने कभी मीडिया यूज किया होगा या ग्रुप मेंबर ने किया होगा, यू कैन सी, ये देखो वहाँ पे मीडिया ओमिटेड आ रहा है. ठीक है, और भी यहाँ पे देखो मीडिया ओमिटेड. तो अगर मुझे काउंट करना है कि कितने मीडियाज शेयर हुए हैं, तो बहुत ईजी है. मुझे बस काउंट करना है कि कहाँ पर भी मैसेज का वैल्यू मीडिया ओमिटेड है. ठीक है, जैसे ये देखो ये सारे मैसेजेस हैं वो जहाँ पे इसका वैल्यू इज मीडिया ओमिटेड. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस वैल्यू और मैं अपने कोड में जाऊंगा और कोड में हेल्पर फंक्शन में जाके मैं अब ये कैलकुलेट करूंगा. और ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है, हमें बस ये लिखना है df में मैसेज का वैल्यू इज इक्वल टू दिस स्लैश n. अब अगर आप अपने मेन कोड में जाते हो तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि जहां भी मीडिया ओमिटेड है वहां पे स्लैश एन लगा हुआ है. एक्चुअली वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हर जगह पे स्लैश एन है. ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है. तो हमें यहाँ पे स्लैश एन लिखना पड़ेगा. हमें वो सारे रोज चाहिए हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से, और उसका शेप का जीरो चाहिए हमें. और ये हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ मीडिया MSG, या पूरा नाम लिख देते हैं मैसेजेस. ठीक है, और अब मैं थर्ड चीज भी रिटर्न करूंगा और वो होगा नम मीडिया मैसेजेस. और वो सेम चीज मैं यहाँ पे रिसीव भी करूंगा, नम मीडिया मैसेजेस. और अब यहाँ पे आई वुड राइट विथ कॉलम 3, I will just copy these two lines. यहाँ पे आ जाएगा total, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं media shared, और यहाँ पे आ जाएगा num media messages. और ये हमारा code हो गया. ठीक है, अब अगर हम वापस जाते हैं, इसको reload करते हैं और file को select करते हैं, शो एनालिसिस. ओके, यहाँ पे जीरो आ रहा है, किसी और के लिए भी जीरो ही आ रहा है. सो कुछ गड़बड़ हुआ, वी विल हैव टू चेक क्या गड़बड़ हुआ. हाँ, बहुत स्टूपिड मिस्टेक है, स्लैश एन हमने गलत लिखा है, इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, और अब अगर हम वापस जाते हैं और रीरन करते हैं हमारे कोड को, let's select this file, show analysis, 218 total images share हुए हैं. ठीक है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर यूजर की बात करें, जैसे मैं अपना ही सेलेक्ट करता हूं, तो मैंने 14 images शेयर किए. ठीक है, किसी और यूजर का करते हैं, या ठीक है, दूसरा ग्रुप का भी चेक कर सकते हैं हम लोग. ओवरऑल यहाँ पे 92 है, मैंने कितना किया है, या 35. सो सही आ रहा है, मतलब ठीक है, ये मीडिया शेयर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे, तो ज़्यादा मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि इमेजेस ज़्यादा शेयर नहीं करने. सो या सही है ये. अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स दैट वर शेयर्ड इन द ग्रुप. ठीक है, वैसे एक चीज मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, बट वो अंडरस्टूड है कि ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये ग्रुप चैट के ऊपर भी काम करेगा. और आप अगर अपने फ्रेंड के साथ भी चैट कर रहे हो, आप उसको भी एक्सपोर्ट करके यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो. कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है. ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है एक तरीके से, कि ग्रुप चैट भी एनालाइज कर सकता है और इंडिविजुअल के साथ भी जो आप चैट करते हो वो भी एनालाइज कर सकता है. तो प्लीज उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग फेच करना चाहते हैं कितने लिंक्स शेयर हुए हैं ग्रुप के अंदर. ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक बढ़िया लाइब्रेरी मिल गई.
इसका नाम है URL Extract, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास है URL Extract बोल के, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और find URLs बोल के एक फंक्शन के अंदर आप जैसे ही स्ट्रिंग में पास करते हो तो ये क्या करता है, ये आपको तुरंत एक लिस्ट के अंदर निकाल के दे देगा सारे लिंक्स। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और लिंक ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से gmail.com, www.gmail.com। ये देखो उसने ये भी फेच कर लिया। अब किसी भी फॉर्म में अगर URL दे रहे हो तो दिस फंक्शन इज गुड इनफ कि वो उधर से लिंक को निकाल लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कोड लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख रखा है बट मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ। हम सबसे पहले एक लिंक्स बोल के लिस्ट बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगा, फिर हम लूप चलाएंगे हमारे मैसेज वाले कॉलम के ऊपर। सो यू कैन सी ये हमारा मैसेज वाला कॉलम है, ये सारे मैसेजेस हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली ये एक्सट्रैक्टर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये एक्सट्रैक्टर ऑब्जेक्ट जो ऊपर हमने बनाया है उसके अंदर मैं फाइंड URLs के अंदर पास कर रहा हूं करंट मैसेज को, ठीक है। और जैसे ही कोई अगर उस पर्टिकुलर मैसेज में कोई भी लिंक है या मल्टीपल लिंक्स हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट में डाल देगा, और अगर नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट आपको दे देगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको चला के दिखाता हूँ, अगर आप इसको रन करोगे तो, अच्छा हमने प्रिंट नहीं किया, अगर हम प्रिंट करें तो दिस वुड गिव यू अ लॉट ऑफ एम्प्टी लिस्ट बिकॉज इन मैसेजेस के अंदर कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। बट फिर कुछ मैसेजेस होंगे जिनके अंदर लिंक होगा, जैसे यहाँ पर एक लिंक, इस मैसेज में एक लिंक था, यहाँ पर भी एक लिंक था, ठीक है। तो मुझे बस क्या करना है, जैसे ये लगातार मैंने शायद वीडियो शेयर किए होंगे, अब मैं क्या करूंगा, रादर देन प्रिंटिंग आउट मैं लिखूंगा लिंक डॉट एक्सटेंड और इसको रन कर दूंगा। और अब मैं लिंक्स को जब प्रिंट करूंगा, ये रहे गाइस हमारे सारे लिंक्स, हमारे ग्रुप में जितने भी लिंक्स शेयर हुए हैं उन सबका लिस्ट है ये, ठीक है। टोटल कितने लिंक शेयर हुए हैं, मुझे सिंपली क्या करना है, इसका लेंथ निकाल देना है, एंड दिस वुड गिव मी कि आज तक हमने 144 लिंक्स शेयर किए, ठीक है। अब अगर आपको किसी इंडिविजुअल यूजर के लिए निकालना है तो आप पहले से ही डेटा फ्रेम को फिल्टर कर दो उस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से और फिर सेम काम कर दो। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इस कोड को अपने कोड में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं टर्मिनल में जा करके इस लाइब्रेरी को सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा। ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका नाम है URL Extract। तो यू वुड राइट pip install URL Extract, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए एज अ डिपेंडेंसी। हो गया, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा और यहां पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम URL Extract इंपोर्ट द URL Extract क्लास, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू URL Extract का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस हमें यहां पर आना है और हमें लिंक्स बोल के एक लिस्ट बना लेना है, फिर हमें लिखना है फॉर मैसेज इन DF मैसेज कॉलम लिंक्स डॉट एक्सटेंड और यहां पे हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट डॉट फाइंड URLs के अंदर मैसेज एंड दैट्स इट। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा लेंथ ऑफ लिंक्स, ठीक है। और अब मैं app.py में आऊंगा और यहां पर एक और चीज अब रिसीव हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ लिंक्स। और I'll just copy this entire thing and paste it over here. This will be column 4. और यहाँ पे आएगा links shared. और यहाँ पे आ जाएगा num links. ठीक है? और अब अगर मैं इस code को दोबारा run करूँ, streamlit run app.py, तो होपफुली ये काम करना चाहिए।
So I'll select this one. ओवरऑल के लिए चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं. या 361 लिंक्स शेयर हुए हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे स्टार्ट्स ये रहे. अच्छा शो एनालिसिस पे क्लिक करना पड़ेगा, माय बैड. मैंने 185 लिंक शेयर किए हैं. इस बंदे ने कोई लिंक शेयर नहीं किया, कोई मीडिया शेयर नहीं किया. इसने एक लिंक शेयर किया है. इसने 25 लिंक्स शेयर किए. ठीक है, तो अब ओवरऑल एनालिसिस भी हो पा रहा है और यूजर के हिसाब से भी हम चीजें निकाल पा रहे हैं. ठीक है, तो यहां तक तो हो गया गाइस. अब हम लोग नेक्स्ट पता करेंगे कि हु आर द मोस्ट एक्टिव यूजर्स. ठीक है, हम ये निकालेंगे और उन्होंने कितना परसेंट ओवरऑल जो चैट है उसका कितना परसेंट उन लोगों ने अकेले चैट किया, ये हम निकालेंगे. ठीक है, दैट वुड बी नेक्स्ट. सो नेक्स्ट गाइज विल डू विल फाइंड आउट द मोस्ट बिजी यूजर्स इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, किसने सबसे ज्यादा चैट किया. ठीक है, और ये जो एनालिसिस है ये ग्रुप लेवल पे होगा, यूजर लेवल पे नहीं होगा. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक टू माय कोड और यहां पर जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट्स एरिया लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई वुड राइट फाइंडिंग द बिजिएस्ट यूजर्स इन द ग्रुप. और ये ग्रुप लेवल है, मतलब यूजर लेवल पे हमको ये नहीं करना. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा, इफ सेलेक्टेड यूजर इज इक्वल टू ओवरऑल, तभी मैं ये वाला काम करूंगा. और मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है कॉलम वन कॉमा कॉलम टू इज इक्वल टू एस टी डॉट बीटा कॉलम्स. आई होप एक बार जब ये रेंडर हो जाए उसके बाद ये वैल्यूज में प्रॉब्लम ना हो. आई जस्ट चेक, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको ठीक कर देंगे. देखो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे एरिया को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक पार्ट में हम एक बार चार्ट प्लॉट करेंगे, बार चार्ट टॉप फाइव यूजर्स का, और उसके बगल में हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे कि हर यूजर ने कितना परसेंट चैट किया ओवरऑल. ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस टी डॉट टाइटल और टाइटल में मैं लिख दूंगा मोस्ट बिजी यूजर्स. ठीक है, अब देखो ये निकालना कैसे, ये बहुत सिंपल है. उसके लिए हमें एक बार ब्राउजर पे जाना पड़ेगा और जैसे कि यहां पर देखो ये मेरा डेटा फ्रेम है, दिस इज माय डेटा फ्रेम. मुझे डेटा फ्रेम में पता करना है सबसे ज्यादा मैसेजेस करने वाले पांच टॉप यूजर्स कौन से हैं. बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम df यूजर के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगा देंगे, राइट. और ये रहे टॉप यूजर्स, इसके ऊपर मैं हेड लगा दूंगा, ये रहे मेरे टॉप फाइव यूजर्स. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है, बार चार्ट. उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगा matplotlib.pyplot को एज plt और यहां पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, मैं इस पूरी चीज को एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ x बोल के, इस सीरीज को x में डाल दिया, नेम हो जाएगा x डॉट इंडेक्स और काउंट हो जाएगा x डॉट वैल्यूज. और अब मैं लिख रहा हूँ plt डॉट बार और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम और काउंट और ये रहेगा इस, ये रहा हमारा बार चार्ट. नीचे एक्स एक्सिस पे नाम नहीं दिखाई दे रहा तो मैं plt डॉट x टिक्स का वैल्यू कर दूंगा रोटेशन इक्वल टू वर्टिकल एंड ये रहा हमारा आउटपुट plt डॉट शो. तो हमें यही करना है गाइस. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग वापस जाते हैं और इस जगह पर हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं. जैसे हमने यहाँ पे फेच स्टार्ट्स बनाया था वैसे ही हम लोग एक और बनाते हैं
fetch most busy users, और इसको हम अपना डेटा फ्रेम देंगे, और डेटा फ्रेम मिलने के बाद आपको कोड पता है, आप सबसे पहले ये कोड लिखोगे, कॉपी पेस्ट, ये दोनों वैल्यूज फेच करोगे। एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज फेच करने की जरूरत भी नहीं है हमें, हम सिंपली ये कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं एक्स, हम सीधे एक्स रिटर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे वी वुड राइट हेल्पर डॉट मोस्ट बिजी यूजर्स में डीएफ, पलट के मुझे यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मुझे एक बार मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो आई वुड राइट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, जल्दी से मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फिगर कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू, एक बार ऊपर जा करके आई विल हैव टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पी एल टी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पी एल टी डॉट सबप्लॉट, सबप्लॉट आई गेस सबप्लॉट होता है, अब प्लॉट और सब प्लॉट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नेक्स्ट यू वुड राइट ए एक्स डॉट बार, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स डॉट इंडेक्स एक्स डॉट वैल्यूज, और उसके बाद हम लिखेंगे एस टी डॉट पाई प्लॉट के अंदर विल पास द फिगर, और एक्चुअली ये दोनों कोड जो है ये यहाँ पे आना चाहिए विथ कॉलम वन, यहाँ पे आना चाहिए, कट पेस्ट, ठीक है। सो अगर ओवरऑल है तो हम ये सब प्रिंट कर रहे हैं, एक बार चला के देखते हैं इसको। सो वी वुड राइट स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, इसी को रीरन करते हैं, लेट्स सेलेक्ट अ फाइल और ओवरऑल सेलेक्ट करके कुछ तो एरर आ रहा है, इज इट बिकॉज मैंने यहाँ पे सबप्लॉट्स नहीं लगाया, लेट्स चेक दैट, शो एनालिसिस, या दिस इज द आउटपुट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे, वी वुड राइट पी एल टी डॉट एक्सटिक्स रोटेशन इक्वल्स वर्टिकल, शो एनालिसिस, या एक चीज और कर सकते हैं, हम कलर दे सकते हैं टू बी इक्वल टू रेड, या ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको आप एक्सपैंड करके भी देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो हो गया हमारा सबसे बिजी यूजर्स का नाम और उनके मैसेजेस कितने हैं, और बगल में हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें हर यूजर ने कितने मैसेजेस किए हैं और परसेंटेज ऑफ मैसेजेस हम निकालेंगे। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम ये निकालेंगे सीरीज हर यूजर ने कितने मैसेज किए हैं, तो हम इसको डिवाइड भी कर देंगे df डॉट शेप का जीरो से, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जितने ग्रुप में हुए हैं, तो और इस पूरी चीज को फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ 100, और इस पूरी चीज को राउंड भी कर देंगे बाय 2, तो दिस विल टेल कि हर यूजर ने कितना परसेंट मैसेज किया है पूरे ग्रुप का, ठीक है। तो ये भी कोड मैं रिटर्न करने वाला हूँ। अच्छा, बाय द वे, इसको हम चाहें तो रीसेट इंडेक्स करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको हम लोग फिर
रीनेम कर सकते हैं. अब रीनेम इस स्टेप में होगा या नहीं होगा, विल हैव टू सी दैट. कॉलम्स इक्वल टू एक डिक्शनरी इंडेक्स का वैल्यू नेम और यूजर के बदले आ जाएगा परसेंट. या इस पूरी चीज को भी मैं रिटर्न करूंगा. ये एक डेटा फ्रेम है तो आई विल कट और वापस मैं हेल्पर में जा रहा हूं और हेल्पर में आई विल राइट दिस कोड और इसको मैं df के इक्वल कर दे रहा हूं और मैं df भी रिटर्न कर रहा हूं. ठीक है, और इसको वापस आ करके मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x के साथ साथ मुझे क्या बोला जाए इस df को, लेट्स कॉल इट न्यू df. ठीक है, न्यू df बोल रहे हैं और फिर हम यहां पे आ रहे हैं विथ कॉलम टू और यहां पे हम लिख रहे हैं st डॉट डेटा फ्रेम और यहां पे हम पास कर रहे हैं विल पास न्यू df. ठीक है, और एक बार अब इसको वापस रन करते हैं. सो या गाइस, ये रहा वो डेटा फ्रेम. सो इससे हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि कौन यूजर कितना परसेंट चैट कंट्रीब्यूट किया. जैसे मैंने अराउंड 37% चैट अकेले किया है आउट ऑफ 100%. ठीक है, और नीचे जाते जाते आपको सबसे लीस्ट एक्टिव यूजर्स का भी लिस्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग वर्ड क्लाउड बनाना सीखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वर्ड क्लाउड बनाएंगे और उसके पहले एक बार वाइड मोड ऑन कर दे रहा हूँ मैं सो दैट ऐसा दिखाई दे. या अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा एनालिसिस. नेक्स्ट हम लोग वर्ड क्लाउड बनाएंगे. सो गाइज, वर्ड क्लाउड फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ वर्ड क्लाउड. ठीक है, सो एक बार जस्ट बी केयरफुल, अगर आप पाइथन 3.8 और 3.9 के ऊपर हो तो ये लाइब्रेरी काम नहीं करता. मैंने ट्राई करके देखा था, जैसे ही आप डाउनग्रेड करके 3.7 पे आते हो ये लाइब्रेरी काम करने लग जाता है, मोस्टली बिकॉज नए वर्जन थोड़े अनस्टेबल होते हैं. तो इट्स एनी वेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप थोड़ा पुराना वर्जन यूज करो. तो मैं 3.7 यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने में. मैंने आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करते के टाइम बता दिया था. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट राइट पिप इंस्टॉल वर्ड क्लाउड. ठीक है, और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, हम वर्ड क्लाउड फॉर्म करेंगे और वर्ड क्लाउड फॉर्म करने के लिए मैं हेल्पर में एक फंक्शन बना रहा हूँ. सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल किया है उसको कॉल कर रहा हूँ, फ्रॉम वर्ड क्लाउड इम्पोर्ट वर्ड क्लाउड. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट वर्ड क्लाउड बोल के. इसको दो चीजें मिलेंगी, सेलेक्टेड यूजर एंड df. और यहाँ पर भी मैं ये सेम चीज कॉपी करूंगा. अगर ओवरऑल है तो df जैसा था वैसा रहेगा, अगर कोई पर्टिकुलर यूजर सेलेक्ट हुआ है तो df को चेंज कर दिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है wc ऑब्जेक्ट जो कि वर्ड क्लाउड क्लास का होगा. यहाँ पे हम अपने वर्ड क्लाउड को कन्फ्यूगर करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे वेट विथ कितना होगा, एक जनरल विथ 500 अच्छा होता है, हाइट कितना होगा अगेन 500, मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होगा 10 रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर क्या होगा वाइट रख सकते हो क्योंकि हमारा वेबसाइट ब्लैक कलर का है. उसके बाद हम DFWC बनाएंगे एक, ये बेसिकली एक इमेज होगा. ठीक है, ये WC ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर एक जनरेट फंक्शन होता है, यही आपका मेन वर्ड क्लाउड जनरेट करता है एज एन इमेज. और वर्ड क्लाउड जो जनरेट होगा वो हमारे DF के मैसेज कॉलम से जनरेट होगा और उसके लिए हमें सिंपली ये कोड लिखना है, sep is equal to space. ठीक है, ये सारे वर्ड्स को तोड़ देगा और उस इमेज के ऊपर डाल देगा. और अब मुझे बस क्या करना है, ये df wc ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है इस इमेज को. अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेल्पर डॉट क्रिएट वर्ड क्लाउड सेलेक्टेड यूजर df और वो पलट के मुझे इमेज देगा.
इमेज को मैं स्टोर कर लूंगा, और अब मैं मैटप्लॉटलिब को यूज करके plt.imshow फंक्शन को कॉल करूंगा इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पे मैं df_wc डाल दूंगा। और एक्चुअली इसके पहले हमें ये करना चाहिए था कि फिगर और एक्सिस बना करके plt.subplots को कॉल करना चाहिए था, और ये काम हमें एक्सिस के ऊपर करना चाहिए था। और अब हम लिखते st.pyplot और यहाँ पे हम पास कर देते हमारा फिगर, एंड दैट्स द कोड गाइज। अब एक बार इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमें फिर से एक बार लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलेट रन app.py, और फाइल को हमने कॉपी किया, सेलेक्ट किया और ओवरऑल एनालिसिस चलाया, एंड दिस इज द वर्ड क्लाउड। सो यू कैन सी ओवरऑल ग्रुप का अगर आप एनालिसिस करो तो जो सबसे बड़े वर्ड्स आ रहे हैं वो है सर, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मुझे सर बुलाते थे। ओके सर है क्योंकि हम लोग इंग्लिश में बात करते थे तो है, जूम मीटिंग्स हुआ करती थी, और थैंक यू बोला करते थे स्टूडेंट्स। वॉच विथ वीडियो डिलीटेड, आईडी पासकोड, वेब डेवलपमेंट की क्लास थी तो डिव क्लास, मैसेज, यूट्यूब के वीडियो शेयर होते थे, टास्क दिए जाते थे। सो या सही काम कर रहे हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक बंदे का बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूं, शो एनालिसिस पे क्लिक करूं, तो दिस इज माय वर्ड क्लाउड। सो यहाँ पे सर नहीं आएगा क्योंकि मैं, ये मेरा वर्ड क्लाउड है, मैं खुद को सर नहीं बुलाऊंगा। सो मैं ज़्यादातर गाइज बोलता था, कल है सेशन, जूम का लिंक, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, बटन, संडे इवैल्यूएट करता हूँ, मीटिंग होगी, सेशन होगा, गेस्ट लेक्चर होगा, आपका डैशबोर्ड है। सो या सही आ रही है। किसी और स्टूडेंट का चेक करते हैं, लेट्स से इस स्टूडेंट का चेक कर रहे हैं। सो या मेंबर, अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम, डिलीटेड, बैच, इंटरेस्टेड, नहीं, विंडोज। सो या कैंपस एक्स। सो या गाइस दिस इज वर्किंग। अब हम लोग ग्रुप लेवल पे भी वर्ड क्लाउड जनरेट कर पा रहे हैं, और हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी कर पा रहे हैं। एक लास्ट चीज एक कर सकते हैं हम लोग कि वर्ड क्लाउड जहां पे है उसके ऊपर हम टाइटल में लिख सकते हैं वर्ड क्लाउड, अच्छा लगेगा। सो अगर हम फिर से रन करें तो यहाँ पे वर्ड क्लाउड आ जाएगा, ठीक है। तो या इसको आप फुल स्क्रीन भी देख सकते हो बहुत ध्यान से। सो काफी कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रुप में टॉप 25 चैटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, और वो हम ग्रुप लेवल पे भी करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे भी करेंगे। सो गाइज अगर हमें ये प्रिंट करना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन से 20 या 25 वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक लूप चला रहा हूँ, इनफैक्ट उसके पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ वर्ड्स बोल के, और फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ ऑन टॉप ऑफ माय मैसेज कॉलम। फिलहाल मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये लूप का आउटपुट क्या होगा। सारे मैसेजेस प्रिंट होने लग गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर मैसेज को स्प्लिट करना है, ठीक है, लाइक दिस। आई विल शो यू। इस तरीके से हम स्प्लिट कर देंगे हर मैसेज को और इस लिस्ट के अंदर डालते चले जाएंगे। ये मुझे सबसे पहला काम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट करने के बदले आई एम टाइपिंग वर्ड्स डॉट एक्सटेंड, एंड यू कैन सी अब अगर मैं यहां पर वर्ड्स लिखूं तो इट हैज गॉट ऑल द वर्ड्स जो मेरे ग्रुप में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कलेक्शंस से काउंटर को इंपोर्ट करना है, और काउंटर यूज करके मुझे पता करना है कि हर वर्ड का फ्रीक्वेंसी क्या है, हर वर्ड कितनी बार आया। एंड यू कैन सी मैसेजेस एक बार आया, एंड 123 बार आया, कॉल्स एक बार आया।
अब मुझे सबसे फ्रीक्वेंट अगर 20 वर्ड्स चाहिए तो मैं लिखूंगा मोस्ट कॉमन 20, और ये रहेगा इस वो 20 सबसे कॉमन वर्ड्स, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू अ डेटा फ्रेम बाय राइटिंग pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। सो दीज आर द टॉप 20 वर्ड्स ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब यू कैन सी देयर इज अ प्रॉब्लम क्लियरली, द टू आई एंड बी यू ऑन अ मीडिया ओमिटेड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स हैं। मोस्टली स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेंटेंस फॉर्मेशन में तो काम आता है लेकिन वर्ड की मीनिंग कुछ नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स अगर हम दिखा भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ग्रुप मैसेजेस को हटाना पड़ेगा, बिकॉज ग्रुप मैसेजेस, ग्रुप नोटिफिकेशन बोलना चाह रहा हूं मैं, ग्रुप नोटिफिकेशन के मैसेजेस को रख के कोई फायदा नहीं है कि कोई ग्रुप एग्जिट कर गया, किसी नए को ऐड किया गया, किसी ने आइकन चेंज कर दिया, किसी ने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया, ये सब मैसेजेस हमें नहीं रखने हैं, ठीक है। सेकंड फिल्टरिंग हमें क्या करना है, मीडिया ओमिटेड वाले जितने भी मैसेजेस हैं इन सबको हटाना है, ठीक है। और थर्ड हमें क्या करना है, ये जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं इनको हटाना है, और ये करने के बाद हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, तब हमें सही आंसर मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सेल्स ऐड कर रहा हूं सो दैट मैं एक एक करके आपको ये सारे स्टेप्स दिखा पाऊं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे ग्रुप नोटिफिकेशंस हटा सकते हो। तो आप लिखोगे ग्रुप नोटिफिकेशन हटाने के लिए यूजर इक्वल टू मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं ग्रुप नोटिफिकेशन। ये करने से मुझे सिर्फ वो रोज मिलेंगे जहां पे यूजर इज ग्रुप नोटिफिकेशन। यू कैन सी ये वो मैसेजेस हैं जो ग्रुप के हैं, ठीक है। अब मुझे अगर वो मैसेजेस चाहिए जो ग्रुप नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं नॉट इक्वल टू कर दूंगा, तो यहां पर अब बाकी सारे मैसेजेस आ गए। इस नए डेटा फ्रेम को मैं टेम्प बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगला फिल्टरिंग कर रहा हूं, ये जो मीडिया ओमिटेड था ना, ये देखो ये जो मीडिया ओमिटेड था मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं टेम्प में मैसेज नॉट इक्वल टू मीडिया ओमिटेड स्लैश एन, ठीक है। और वापस मैं इसको टेम्प में ही डाल देता हूं लाइक दिस। अब जो डेटा फ्रेम मुझे मिलेगा उसमें ना ग्रुप नोटिफिकेशंस होंगे ना मीडिया ओमिटेड वाला वर्ड होगा, ठीक है। सो ये टेम्प अब मेरा नया डेटा फ्रेम है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो मैंने ये दो फिल्टरिंग तो कर लिए, ये दोनों फिल्टरिंग हो गई, ठीक है। अब है स्टॉप वर्ड्स कैसे हटाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये इंग्लिश में नहीं लिखे हुए मैसेजेस, इस ग्रुप में जो मैसेजेस हैं वो एक्चुअली इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो मैं NLTK का डिफॉल्ट जो स्टॉप वर्ड्स था वो यूज नहीं कर पाया, तो मैंने थोड़ा गूगल किया तो मुझे एक्चुअली एक बहुत महान बंदे ने, किसी ने एक स्टॉप वर्ड कंपाइल किया है इंग्लिश का, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, अपना, अपने, अपनी, बाद, बार, बहुत, बनाए, बनाई, बनाओ, बनाया। सो हम इंडियंस, स्पेशली जो हिंदी बोलने वाले इंडियंस हैं, हम लोग जब व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वी यूज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अब उसमें भी बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं, तो ये जो बंदा है जिससे मैंने ये डाउनलोड किया, उसने एक कंपाइलेशन बना रखा है उन सारे वर्ड्स का, हिंदी प्लस इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स का। हम इसको यूज करेंगे, इस फाइल को यूज करेंगे स्टॉप वर्ड्स हटाने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस फाइल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सो आई वुड राइट ओपन, और इस फाइल का नाम है stopenglish.txt। इसको मैं R मोड में ओपन कर रहा हूँ, और स्टॉप वर्ड्स is equal to f.read, और मैं आपको स्टॉप वर्ड्स प्रिंट करके दिखाता हूं। दीज आर द स्टॉप वर्ड्स, ये रहे वो सारे स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से ये पूरा कोड रिपीट करना है, बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अब मैं फॉर वर्ड इन मैसेजेस डॉट लोअर, सबसे पहले मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा सारे वर्ड्स को, ठीक है। और
पहले मैंने क्या किया, हर मैसेज में घुसा और फिर मैं हर मैसेज को लोअर में कन्वर्ट करके हर वर्ड को निकाल रहा हूँ, और हर वर्ड को निकालते टाइम मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, अगर स्टॉप वर्ड्स के अंदर नहीं है तो ही मैं अपेंड करूंगा वर्ड्स के अंदर इस वर्ड को, एंड दिस इज द कोड गाइज, दिस इज द कोड। अच्छा मैसेजेस एक फॉर मैसेज इन मैसेजेस फॉर वर्ड इन मैसेज, जस्ट वन सेकेंड गाइज, एक काम करते हैं इसको ब्रेक करके फिर से देखते हैं। सो अगर मैं प्रिंट करूं मैसेजेस को, सही है ये, फिर मैंने लूप चलाया फॉर वर्ड इन, अच्छा यहाँ पे मैंने मैसेजेस लिख दिया, डेट इज वाई यहाँ पे मैसेज होगा, मैसेज को मैं लोअर कर रहा हूँ, एंड या दिस इज द कोड, हो गया। अब इस कोड की जरूरत नहीं है, आगे का कोड एकदम सेम होगा एज इट इज, और इसको रन करने पे यू कैन सी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लेट्स सी क्या गड़बड़ हुआ। गड़बड़ ये हुआ कि हमने स्प्लिट किया ही नहीं, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा तभी हमें वर्ड बाय वर्ड मिलेगा, अगर हम स्प्लिट नहीं करेंगे तो हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्पेसेस सबसे ज्यादा आ रहे थे। एक बार इस कोड को फिर से रन करते हैं और फिर से रन करते हैं। मीडिया ओमिटेड हटा नहीं एक्चुअली, क्यों नहीं हटा मीडिया ओमिटेड, क्योंकि आई गेस ये एम स्मॉल है क्या, लेट्स सी एक बार फिर से रन कर रहे हैं। ओहो माय बैड, एक और चीज हमने गलत किया, यहाँ पे एम कैपिटल ही होगा, सॉरी माय बैड, हमने क्या गलत किया कि सब कुछ करने के बाद हमने टेम्प वाले डेटा फ्रेम को यूज ही नहीं किया, हम यहाँ पे डीएफ यूज ना करके अब टेम्प यूज करेंगे, क्योंकि हम टेम्प्रोरी वाला डेटा फ्रेम यूज करेंगे। फिर से रन किया और फिर से रन किया, और ये रहेगा इस हमारे टॉप 20 वर्ड्स, हैप्पी, टीम, टास्क, वीडियो, डे, सेशन, कोड, प्रॉब्लम, डेटा, मैसेज, दिस स्माइली। सो या ये सही है, ठीक है। तो अब मुझे ये सेम कोड इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रीमलेट के अंदर, ठीक है। तो हम वापस जाएंगे हमारे कोड में, और कोड में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड्स, ठीक है, और इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ मोस्ट कॉमन वर्ड्स, और यहाँ पे मुझे मिलेगा सेलेक्टेड यूजर और मेरा डेटा फ्रेम, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करूंगा, ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करूंगा, पहले तो ग्रुप नोटिफिकेशन हटाऊंगा, मीडिया ओमिटेड हटाऊंगा, और स्टॉप वर्ड्स के बेसिस पे ओके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये कोड हमें लिखना ही पड़ेगा, सेलेक्टेड यूजर है या नहीं इसके बेसिस पे, लाइक दिस। उसके बाद हमें ये दोनों लाइंस लिखने पड़ेंगे, सो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे अब टेम्प डीएफ बन चुका है। उसके बाद हम ये कोड लिखेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, ये स्टॉप वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा टू द डायरेक्टरी जहाँ पे ये फाइल है, और इसको मैं कॉपी करूंगा, पाइचाम में आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। बंद कर रहे हैं इसको, और यहाँ पर आई वुड राइट और रादर यहाँ पर आई वुड राइट F इज इक्वल टू ओपन स्टॉप इंग्लिश रीड मोड में, और हमारा स्टॉप वर्ड्स विल बी इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है,
हमें उसके बाद इसको कॉपी करना है लाइक दिस, और यहाँ पे पैंडास नहीं है तो वी विल हैव टू राइट फ्रॉम पैंडास, एक्चुअली सॉरी इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी. ऑल्सो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम कलेक्शंस इम्पोर्ट काउंटर, ठीक है. और ये बन जाएगा मेरा रिटर्न डीएफ, और इसी को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है. सो इवेंचुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वर्ड्स रिटर्न कर दे रहा हूँ. और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और मुझे हेल्पर डॉट मोस्ट कॉमन वर्ड्स में सबसे पहले तो सेलेक्टेड यूजर को भेजना है, फिर डीएफ को भेजना है, और वो मुझे भेजेगा मोस्ट कॉमन डीएफ बोल देते हैं इसको, यहाँ पर भी इसको मोस्ट कॉमन डीएफ बोल देते हैं. नेमिंग जितना कंसिस्टेंट रहेगा उतना कम कंफ्यूजन होगा. मोस्ट कॉमन डीएफ, ठीक है, मोस्ट कॉमन डीएफ आ गया मेरे पास. और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली प्रिंट दिस आउट, एस टी डॉट डेटा फ्रेम मोस्ट कॉमन डीएफ, ठीक है. लेट्स ट्राई दिस आउट. सो अगर मैं वापस जाता हूँ अपने कोड में और रीरन करता हूँ, ओवरऑल देखते हैं क्या सीन है. नीचे जा रहे हैं और ये रहे, ये सेम वर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर यूजर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं खुद को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब इसके लिए देखते हैं. इसके लिए वर्ड क्लाउड ये रहा और ये रहे मेरे सबसे कॉमन वर्ड्स, 10 भी आ रहा है. एक्चुअली नंबर्स भी आप हटा सकते हो बट अब मैं नहीं कर रहा, इट्स आई एम गेटिंग लेजी एक्चुअली. आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा. किसी और यूजर का चेक कर रहे हैं. या इसने एक्चुअली, इसके इतने ही वर्ड्स हैं. किसी और का देखते हैं. अभी भी कुछ स्टॉप वर्ड्स बच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी ये जो फाइल है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसमें कुछ एडिशनल स्टॉप वर्ड्स ऐड कर सकते हो, प्लस आप पंक्चुएशंस को हटा सकते हो. अब कुछ लोग बहुत ही अलग टाइप से चीज़ें लिखते हैं, जैसे हाई, एच आई ई, थोड़ा सा अनयूजुअल है बट कोई यूज कर सकता है, ठीक है. फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इज पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशंस को भी आप हटा सकते हो यूजिंग स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन. बट अगेन ये आपके ऊपर है, आप करना. मैं एक दूसरे ग्रुप में चेक कर लेता हूँ कि ये सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं. लेट्स चेक विद द अदर ग्रुप, ओवरऑल चेक करते हैं. काम कर रहा है इस ग्रुप में. मेरे मैसेजेस में सबसे ज्यादा कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं वो देखते हैं. ठीक है, सही है. ये HTML कोड्स आने लग गए, अब इसको भी हटाने के लिए कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा. बट अगेन गाइस, दिस इज फाइन ट्यूनिंग. ये आप कर सकते हो जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बना रहे हो. मेरा काम तो आपको समझाना, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ. अब मैं एक काम करूंगा, रादर देन डिस्प्लेइंग दिस इन अ डेटा फ्रेम, आई विल यूज अ बार ग्राफ, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो हियर, यहाँ पर 0 और 1 ये नाम आ रहा है. So what I will do is, I will write, first of all, I would create a figure and axis, plt dot subplots, or uske baad I would write ax dot bar, x axis pe main dunga most common df ka 0,
ये एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई एक्सिस पे आएगा ये, और फिर मैं लिखूंगा एस टी डॉट पाई प्लॉट फिगर फिगर। और अब मैं ये डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करा रहा, लेट्स सी कैसा दिखाई देता है ये। सो अगर मैं फिर से रन करूं, वी शुड बी गेटिंग वन मोर ग्राफ लाइक दिस। अब यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, सो व्हाट वी विल डू इज वी वुड राइट पी एल टी डॉट एक्सटिक्स रोटेशन इक्वल्स वर्टिकल शो एनालिसिस। और ये रहे हमारे वर्ड्स। क्या हम लोग बार एच यूज कर सकते हैं, बार एच एज इन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, शायद बेटर लगे। या दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले करने के पहले लिख सकते हैं एस टी डॉट टाइटल मोस्ट कॉमन वर्ड्स। सो या ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पार्ट भी हो गया गाइस, ये पार्ट भी हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम इमोजीज का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया मोस्ट कॉमन वर्ड्स निकालने में, कि पहले हम ये सब फिल्टर कर रहे थे, ये सेम फिल्टरिंग आप वर्ड क्लाउड प्रिंट करते टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सेम इतना कोड कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके। और उसके बाद सबसे पहले तो गाइज ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको हटा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, रादर देन फर्स्ट ऑफ ऑल df के ऊपर चलाने के, हम temp के ऊपर चलाएंगे, तो एटलीस्ट ये दोनों जो फिल्टरिंग हुई है ये काम करने लग जाएगी। अब बस एक चीज बचा कि स्टॉप वर्ड्स हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं हम रिमूव स्टॉप वर्ड्स बोल के, जिसको एक मैसेज मिलेगा। और आप क्या करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे लाइक दिस, फिर आप लूप चलाओगे फॉर आई या फॉर वर्ड इन मैसेज डॉट लोअर डॉट स्प्लिट। अब इफ द वर्ड इज नॉट इन स्टॉप वर्ड्स देन वाई डॉट अपेंड द वर्ड, लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे स्पेस डॉट जॉइन वाई, वापस सेंटेंस फॉर्म करके भेज देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर लिखेंगे टेम्प मैसेज डॉट अप्लाई फंक्शन, और हम ये फंक्शन अप्लाई कर देंगे रिमूव स्टॉप वर्ड्स, और जो भी होगा इस मैसेज इस फंक्शन का आउटपुट उसको हम वापस टेम्प में स्टोर कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो ग्रुप नोटिफिकेशन सारे हटा दिए वर्ड क्लाउड बनाने के प्रोसेस में, मीडिया ओमिटेड वाले सारे मैसेजेस हटा दिए, और ये जो पूरा कोड है ये कोड क्या कर रहा है, सारे स्टॉप वर्ड्स को हटा दे रहा है, इंग्लिश वाले स्टॉप वर्ड्स को हटा दे रहा है। और अब हमारे पास जो वर्ड क्लाउड आएगा उसमें इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक एंड चेक,
जैसे अभी तक ये सब आ रहा था, ओके है, मैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसको, इसको वाइड मोड में लेके जाते हैं और एक बार रन करते हैं। सो या आई गेस इट इज वर्किंग। अब थोड़ा ध्यान से चेक करना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है काम कर रहा है ये। सो अगर मैं अपना चेक करूं, शो एनालिसिस, या आई गेस इट इज वर्किंग, मेरे को नहीं दिख रहा है जैसे यार वगैरह पहले नहीं था, या तो हमने कर लिया गाइज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इमोजीज का एनालिसिस करेंगे। सो गाइज, इमोजीज के लिए हम लोग एक सिंगल एनालिसिस करेंगे कि हर इमोजी कितनी बार यूज हुआ है, और फिर हम लोग पाई चार्ट्स वगैरह भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इमोजीज का एनालिसिस करना है, तो आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड इमोजी। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, यू हैव टू रन द कमांड पिप इंस्टॉल इमोजी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इम्पोर्ट किया, और मैंने फिर अपने सारे मैसेजेस के ऊपर एक बार आइट्रेट किया, और मैंने वहां पे सिंपल सा कोड लिखा कि अगर कोई भी इमोजी मैच करता है इस यूनिकोड से, तो उसको मेरे इमोजीज वाले लिस्ट में डाल दो, ठीक है। फिर मैंने उस लिस्ट को काउंटर में भेज दिया, और काउंटर से मैंने मोस्ट कॉमन इमोजीज निकाल लिए और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज द रिजल्ट। सो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में इमोजी है, और वो कितनी बार चैट में आया है वो हमारे पास है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली यही कोड यूज करूंगा पाइचार्म के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इमोजी एनालिसिस, ठीक है। और इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं हेल्पर के अंदर, इमोजी बोल के, इमोजी हेल्पर बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे वही सेम चीजें मिलेंगी, सेलेक्टेड यूजर और मेरा डेटा फ्रेम, और यहाँ पे भी जो फर्स्ट लाइन होगा वो यही होगा, फिल्टर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम एकदम टॉप में जाके सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इमोजी मॉड्यूल को, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमें टर्मिनल में जा करके एक बार कंट्रोल सी पिप इंस्टॉल इमोजी करना पड़ेगा। और ये इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इमोजी, और यहाँ पे अब हमें कोड वापस लिखना पड़ेगा। सो कोड बहुत सिंपल है, हमें इतना कोड कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद हमें ये कोड भी पेस्ट कर देना है, और इसको हम बोलेंगे इमोजी डीएफ, और ये फंक्शन सिंपली इस नए डेटा फ्रेम को रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। सो इमोजी डीएफ विल बी इक्वल टू हेल्पर के अंदर इमोजी हेल्पर भेज दिया मैंने सेलेक्टेड यूजर और मेरा डीएफ, और अभी फिलहाल के लिए मैं एसटी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर प्रिंट करके देख रहा हूँ इमोजी डीएफ को कि क्या आता है। सो अगर मैं वापस जाऊँ और अपने कोड को रीरन करूँ, और रीरन करने के लिए हमें पहले एक बार यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पीवाई करना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा ऐप, हमने अपलोड कर दिया चैट, ओवरऑल एनालिसिस की, और ये रहे हमारे इमोजीज, ये रहे हमारे सारे इमोजीज। अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में करूं, देखते हैं क्या इमोजीज आ रहे हैं। सो आई प्रेफर दिस स्माइली, या आई गेस सही है ये,
आई होप सही है ये. और किसी यूजर का देख लेते हैं. ये है ये रहे. सो या इट्स वर्किंग. एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक पाई चार्ट प्लॉट कर सकते हैं. और एक और चीज यहाँ पे टॉप पे हम पहले लिख सकते हैं एसटी डॉट टाइटल में इमोजी एनालिसिस. और अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आई एम क्रिएटिंग कॉलम वन कॉलम टू इज इक्वल टू एसटी डॉट बीटा कॉलम्स. दो कॉलम्स चाहिए मुझे. और विथ कॉलम वन आई एम प्रिंटिंग आउट दिस डेटा फ्रेम एंड विथ कॉलम टू मैं पाई चार्ट प्रिंट करूंगा. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिगर एक्सिस इज इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स. यहाँ पे आई एम राइटिंग ए एक्स डॉट पाई. मुझे दो चीजें पास करनी है. फर्स्ट मुझे पास करना है इमोजी डी एफ का जीरो और फिर मुझे पास करना है इमोजी डी एफ का वन. और फिर मुझे लिखना है एस टी डॉट पाई प्लॉट के अंदर फिगर. लेट्स सी कैसा आता है ये. सो अगर मैं रीरन करूँ कोड को और यहाँ से ओवरऑल करके शो एनालिसिस पे जाऊँ. कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट. सो कुछ एरर आ रहा है, इसको डीबग करना पड़ेगा. सो गाइज एक्चुअली एरर हमारे कोड में है. जब आप पाई चार्ट प्रिंट करते हो तो आप सिर्फ वैल्यूज पास करते हो और जो आपको लेबल्स देने होते हैं वो आप अलग से लेबल्स पैरामीटर में पास करते हो और वो हो जाएगा इमोजी डी एफ का जीरो. दिस इज द कोड. लेट्स सी. सो या मतलब डिस्प्ले हो रहा है बट जस्ट कि वो आइकन्स प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं. अगर हम बार चार्ट प्रिंट करें एक्चुअली टर्मिनल में देखते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि ये फॉन्ट में से ये आइकन मिसिंग है, दैट इज वाई ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है. अलग अलग आइकन सही से डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं. तो गाइज ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा. व्हाट आई विल डू इज मैं अलग से इसको एक बार फिगर आउट करूंगा और मैं कोड में चेंजेस कर दूंगा. सो जो कोड आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा उसमें मैं अपडेटेड कोड रखूंगा जिससे ये प्रॉपरली डिस्प्ले होने लग जाएगा. बट या इस पॉइंट पे हम लोग इमोजीज देख पा रहे हैं. ठीक है, आप चाहते तो थोड़ा सा क्लटरिंग कम करने के लिए टॉप 5 ले सकते थे. मतलब ऑल दो कोई फायदा नहीं होगा आपको तो परसेंटेजेस दिखाने, तो ये भी किया जा सकता था. बट या मतलब यू गेट द आइडिया. मैं इसको ठीक कर दूंगा तब आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा. सो ये पहला वाला जो है ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये वाला डिस्प्ले हो रहा है, ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा और ये भी डिस्प्ले नहीं, ये डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो पाई चार्ट तो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर. इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो राइट ऑटो पी सी टी इक्वल्स परसेंट पॉइंट टू एफ. इससे क्या होगा, परसेंटेज भी दिखने लगेगा. हाँ, सो 35% ऑफ ऑल द इमोजीज आर दिस इमोजी, 26% इज दिस एंड सो ऑन. मतलब अगर आप यहां से हेड हटा दो तो फिर सारे के सारे इमोजीज का आने लग जाएगा. बस इट्स जस्ट कि मैटप्लॉटलिब में ये फॉन्ट में ही मिसिंग है ये आइकन. अगर हम इसको ट्राई करते हैं ओवरऑल तो या परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है, इट्स जस्ट कि इट्स वेरी क्लटर्ड. ठीक है, इसलिए मैंने टॉप 5 लिया था. बट या आप इसको जैसे मर्जी हैंडल करके देख सकते हो. फिलहाल ऐसा है. बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोजीज हैं. आई गेस बार चार्ट वुड बी बेटर. सो या दिस इज इमोजीज का एनालिसिस. ठीक है, अब हम लोग टाइम बेस्ड एनालिसिस करेंगे.
कि कौन से दिन में सबसे ज्यादा चैट्स होते हैं, कौन से मंथ में सबसे ज्यादा चैट होते हैं और इस तरह की चीजें, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो गाइज, अब हम लोग सबसे पहले एक टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ बनाएंगे, एक एक ग्राफ होगा, एक लाइन प्लॉट होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका ईयर्स और मंथ होगा और वाई एक्सिस में उस पर्टिकुलर मंथ ऑफ दैट ईयर में कितने मैसेजेस भेजे गए, ये होगा। तो इट विल बी बेसिकली अ टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि आपको उस ग्राफ को देख के समझ में आ पाएगा कि किन मंथ्स में आपके यूजर्स, एज इन ग्रुप के यूजर्स ज्यादा एक्टिव थे और कब वो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम, ठीक है। हम लोग एक नया कॉलम बना रहे हैं मंथ नम बोल के, और ये बेसिकली मैंने डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो अगर अब मैं आपको दिखाऊं मेरा डेटा फ्रेम कैसा दिख रहा है, तो इसमें लास्ट में एक मंथ नंबर बोल के कॉलम आ चुका है, जहां पे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि मंथ अगर जुलाई है तो यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, ग्रुप बाय परफॉर्म कर रहा हूँ, और ग्रुप बाय करते टाइम मैं दो चीजों पर ग्रुप बाय कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ ईयर के ऊपर, और दूसरा मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ मंथ के ऊपर, एक्चुअली मंथ नम के ऊपर, ठीक है। और मैं काउंट कर रहा हूँ मैसेजेस को, एंड यू कैन सी ये रहा 2019 में सातवें महीने में टोटल मिला के 91 मैसेजेस थे ग्रुप में, 2019 में आठवें महीने में 186, नाइन्थ मंथ में 646, दसवें में 219, ग्यारहवें में 156 एंड सो ऑन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मंथ भी ले सकते हो लाइक दिस, और आप इस पूरी चीज को रीसेट इंडेक्स करके एक डेटा फ्रेम का फॉर्म दे सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इस पूरे डेटा फ्रेम को आई कैन कॉल टाइमलाइन, दिस इज टाइमलाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये तो मिल गया कि हर मंथ ऑफ द ईयर कितने मैसेजेस गए हैं, मैं अब ईयर और मंथ वाले कॉलम को मर्ज करूंगा। सो आई वुड राइट दिस कोड, आई वुड राइट फॉर आई इन रेंज ऑफ टाइमलाइन डॉट शेप का जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि आई क्या है, दिस इज आई, टोटल 14 है। अब मैं हर बार क्या कर रहा हूं, मैं टाइमलाइन का मंथ ले रहा हूं और उसका आईएथ एलिमेंट ले रहा हूं, तो सारे ये मंथ प्रिंट हो गए। इसमें मैं अपेंड कर रहा हूं ये चीज, तो ऐसा दिखने लग गया, और फिर इसी में मैं अपेंड कर रहा हूं एसटीआर ऑफ टाइमलाइन का ईयर का आई। सो ये दिखाई देने लग गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, टाइम बोल करके एक लिस्ट बना रहा हूं और उसमें मैं इसको अपेंड कर दे रहा हूं, टाइम डॉट अपेंड, और ये रहा मेरा टाइम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइमलाइन वाले डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बना रहा हूं टाइम बोल के, और उसमें टाइम का वैल्यू पास कर दे रहा हूं, और ये रहा मेरा टाइमलाइन। सो अब ये जो पूरा प्रोसेसिंग मैंने किया वो सिर्फ इसलिए किया सो दैट मैं मैसेज इसको वाई एक्सिस पे रखूं और इस टाइम को एक्स एक्सिस पे रखूं। सो अब मुझे बस क्या करना है, मुझे लिखना है पीएलटी डॉट प्लॉट, एक्स एक्सिस पे आएगा डीएफ का, नॉट पीएफ, टाइमलाइन का टाइम, और वाई एक्सिस पे आएगा टाइमलाइन का मैसेज, और ये रहा गाइस। यू कैन सी इस तरीके से इस ग्रुप में बातचीत हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो चीजें और कर सकता हूँ, जैसे कि पीएलटी डॉट एक्सटिक्स रोटेशन का वैल्यू कुड बी केप टू वर्टिकल एंड पीएलटी डॉट शो कर सकता हूँ, एंड यू कैन सी ये करने से मुझे ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज मुझे करनी है। So what I will do is I will go back over here, और यहाँ पर मैंने सोचा है कि मैं एक दो changes कर रहा हूँ। पहले तो
सबसे पहले तो अब मुझे डेटा फ्रेम डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है, आप मैसेजेस क्यों पढ़ाओगे किसी को भी, राइट? तो मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ कि ये जो मैं ऊपर डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहा था ये मैं हटा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अब टॉप पर ये दिखाई देगा और जहाँ पे स्टार्ट एरिया है वहां पर इस जगह पे आई वुड राइट एसटी डॉट टाइटल के अंदर टॉप स्टैटिस्टिक्स लाइक दिस। सो अब अच्छा ये नीचे चला गया, अच्छा हमें इसको कट करके यहां पे डालना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है? टॉप स्टैटिस्टिक्स में ये आ रहा है। अब ये जो टाइमलाइन मैं बना रहा हूँ वो मैं मोस्ट बिजी यूजर्स के ऊपर बनाऊंगा, मतलब इस जगह पे बनाऊंगा, यहां पर आई विल शो द टाइमलाइन, ठीक है? और उसके लिए फिर से मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ मंथली टाइमलाइन, फिर से सेलेक्टेड यूजर मिलेगा और डेटा फ्रेम मिलेगा और ये कोड तो कॉमन ही है अभी तक फिल्टर करने के लिए। उसके बाद का कोड मुझे यहां से मिलेगा। सो आई विल, अच्छा एक चीज और, मुझे ये लाइन ऐड करना पड़ेगा मेरे प्री प्रोसेसर में इस जगह पे जहां पे मैंने मंथ नेम निकाला था, मैं यहाँ पे मंथ नंबर भी निकाल लूंगा, ठीक है? और अब आई विल क्रिएट दिस लाइक दिस, उसके बाद कॉपी पेस्ट और उसके बाद टाइमलाइन को रिटर्न कर देना है। सो वी वुड रिटर्न दिस df कॉल्ड टाइमलाइन। और अब मैं app.py में जाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा timeline is equal to helper dot हमारे फंक्शन का नाम है monthly timeline selected user df, figure axis is equal to plt dot subplots, उसके बाद आगे का कोड हमें पता है, हम ये सारा कोड कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पहले वाले में यहाँ पे आ जाएगा ax, ये plt डॉट शो करने की जरूरत नहीं है हमें, हम लिखेंगे st डॉट pyplot और यहाँ पे हम पास कर देंगे फिगर को, ठीक है? सो दिस इज द टाइमलाइन। सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स रन दिस कोड और यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि टाइम बोल के तो है ही नहीं कुछ, इट्स बिकॉज हमने ये कोड रन नहीं किया। सो हमें वापस जाना पड़ेगा हेल्पर में और हेल्पर में हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। और अब अगर मैं वापस आऊं और रन करूं, ये रहा गाइस चैटिंग का मंथली टाइमलाइन, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एसटी डॉट टाइमलाइन, एसटी डॉट टाइटल के अंदर हम लिख सकते हैं मंथली टाइमलाइन, शो एनालिसिस, या दिस इज द मंथली टाइमलाइन। इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, बार बार ब्लू थोड़ा बोरिंग लग रहा है मुझे, सो लेट्स हैव कलर टू बी इक्वल टू ग्रीन। ये रहा हमारा कर्व। एक दूसरा ग्रुप है मेरे पास, मैं एक बार उसको ट्राई करता हूं। ये रहा, दिस इज द ग्रुप का आउटकम, ठीक है? हम किसी इंडिविजुअल का भी बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अगर दिस इज माई टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन,
दिस इज द टाइमलाइन. सो या अब हर यूजर के हिसाब से भी हम टाइमलाइन बना पा रहे हैं. ठीक है, हर यूजर के हिसाब से भी हम लोग टाइमलाइन बना पा रहे हैं. हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, हम लोग डेली टाइमलाइन भी बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो क्रिएट डेली टाइमलाइन. मतलब कैसे? बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, इस बार df डॉट ग्रुप बाय करना है. और ग्रुप बाय करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो अगर ये मेरा डेट है, दिस इज द डेट कॉलम, इसमें से मैं डेट एक्सट्रैक्ट करूंगा. मुझे डेली टाइमलाइन बनाना है तो आई वुड राइट दिस. तो एक काम करते हैं, एक नया कॉलम बना लेते हैं. लेट्स कॉल इट डेट बोल के ऑलरेडी कॉलम है, एक्चुअली इसका नाम डेट टाइम होना चाहिए. लेट्स कॉल इट ओनली डेट. थोड़ा गलत नेमिंग है बट अभी कुछ कर नहीं सकते. ओनली डेट. और अब हम df डॉट ग्रुप बाय कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ ओनली डेट. फिर हम काउंट कर रहे हैं मैसेजेस. ये रहा हर दिन के हिसाब से. इसको मैं अगर रीसेट इंडेक्स कर दूं तो ये रहा, ये रहा. इसको अगर मैं डेली अंडरस्कोर टाइमलाइन बुलाऊं तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं plt डॉट प्लॉट डेली टाइमलाइन का. मैं ओनली डेट को डालूंगा एक्स एक्सिस पे और डेली टाइमलाइन का मैसेज को डालूंगा वाई एक्सिस पे. और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा. plt डॉट फिगर के अंदर अगर मैं फिक्स साइज सेट करूं 218.10 तो कुछ ऐसा है. ये हमारा डेली टाइमलाइन है. ठीक है, ये भी हम बना सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज, करेंटली हमारा ऐप ऐसा दिखाई दे रहा है ना, या वी कैन क्रिएट अ डेली टाइमलाइन. वी कैन क्रिएट अ डेली टाइमलाइन. और उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं मंथली टाइमलाइन. यहाँ पे हम लिख देते हैं डेली टाइमलाइन. ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं def डेली टाइमलाइन सेम सेलेक्टेड यूजर्स और df हमें यहाँ पे मिलेगा. और फिल्टरिंग करनी पड़ेगी और आगे का कोड आपको पता है. ये कोड भी हमें कॉपी करना पड़ेगा और प्री प्रोसेसर में इसको भी डालना पड़ेगा. हेल्पर में वापस आएंगे, ये कोड कॉपी करेंगे और या दैट्स इट. वी विल रिटर्न डेली टाइमलाइन. हम यहाँ पे आएंगे and we'll copy this entire code. यहाँ पे आ जाएगा daily timeline, यहाँ पे भी आ जाएगा daily timeline, यहाँ पे आ जाएगा daily underscore timeline और यहाँ पे भी आ जाएगा daily timeline, यहाँ पे आ जाएगा ओनली टाइम, वहां पे आ जाएगा मैसेज. इसका कलर कर देते हैं ब्लैक और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है. लेट्स गो बैक, लेट्स रन इट. ओनली टाइम हमने फिर से सेम एरर किया और वो ये है. एरर तो नहीं आना चाहिए था. लेट्स चेक
ओनली डेट डॉट रीसेट इंडेक्स, बट जैसे ही हम ये कोड करेंगे हमने प्री प्रोसेसर में ओनली डेट डाल दिया है, फिर ये एरर क्यों आ रहा है? सो या गाइस, स्टूपिड मिस्टेक है, ओनली टाइम नहीं है ये, ओनली डेट है. नाउ लेट्स गो बैक एंड शो एनालिसिस. ये रहा हमारा डेली ग्राफ, ठीक है. जब तक ये ग्रुप है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का देखना है तो देख सकते हैं. या सो ये डेली टाइमलाइन है और ये मंथली टाइमलाइन है. अगर हम इसको थोड़ा सा वाइड मोड में देखें तो थोड़ा और सही लगेगा. या दिस इज द आउटकम, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट पता करेंगे डेज के हिसाब से सबसे ज्यादा बातचीत वीक में कौन से दिन होती है, और सेम हम लोग पता करेंगे मंथ के हिसाब से, ठीक है, कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा चैट्स हुए, बोथ फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल चैट. ओके गाइस, तो अब हम लोग दो चीजें निकालेंगे कि हम लोग ये पता करेंगे कि सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप मेंबर्स या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर कौन से डे पे रहता है, मंडे को रहता है या ट्यूसडे को रहता है या किसी और दिन रहता है, एंड सेम हम लोग वो मंथ के लिए भी निकालेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं डे नेम बोल के, ठीक है. मेरे पास डे ऑलरेडी है बट मुझे डे नेम चाहिए. सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा डॉट डी टी डॉट डे नेम, एक फंक्शन होता है जो मुझे वो पर्टिकुलर डे निकाल के दे देगा, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ डे नेम. और अब बस मुझे ये करना है कि मुझे इस डे नेम के ऊपर वैल्यू काउंट चला देना है, और ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा एक्टिव इस ग्रुप में जो लोग थे वो थर्सडे को थे, और सबसे लीस्ट एक्टिव वेंसडे को है, ठीक है. तो अब बस मुझे ये कोड को वापस लेके जाना है, और यहाँ पर आई कैन क्रिएट एक्टिविटी मैप, और सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसर में घुसूंगा और यहाँ पर आई वुड राइट दिस कोड df का डेट का dt डॉट डे नेम, ठीक है. सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, और उसके बाद आई वुड राइट def week underscore activity underscore map, फिर से selected user and मेरा डेटा फ्रेम, सब कुछ सेम रहेगा. आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर, और अब बस मुझे क्या करना है, मुझे बस ये लौटा देना है, दैट्स इट. ये एक सीरीज मुझे रिटर्न कर देनी है, दिस विल बी अ सीरीज. इसको मैं यहाँ पे फेच करूँगा. सो आई वुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में एक्टिविटी मैप, और यहाँ पे कॉलम वन कॉलम टू इज इक्वल टू एस टी डॉट बीटा कॉलम्स दो, और विथ कॉलम वन एस टी डॉट हेडर मोस्ट बिजी डे. और यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज I will call busy day, बोल देते हैं इसको. Busy day is equal to helper dot week activity map selected user df, और फिर हमें क्या करना है, हमें
इसको उठा करके एक बार चार्ट में डाल देना है. तो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग फिगर और एक्सिस का पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स बनाएंगे. ए एक्स डॉट बार में सबसे पहले मैं डालूंगा बिजी डे डॉट इंडेक्स और बिजी डे डॉट वैल्यूज और यहां पे मैं लिखूंगा एस टी डॉट पाई प्लॉट के अंदर फिग. सो दिस इज द कोड. लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं. या काम कर रहा है. ओवरऑल देखते हैं. या सही है. सबसे ज्यादा ये वाला ग्रुप मंडे को एक्टिव था. एक काम करते हैं ये वाला क्रॉस चेक कर लेते हैं. थर्सडे आना चाहिए यहाँ पे. थर्सडे लीस्ट एक्टिव वेंसडे. या सही है. ये सही है. और सिमिलरली हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं मंथ एक्टिविटी मैप. सब कुछ सेम रहेगा. कॉपी कॉपी पेस्ट और इस बार हम रिटर्न कर देंगे DF का. हम रिटर्न कर देंगे मंथ डॉट वैल्यू काउंट और इस जगह पे विथ कॉलम टू आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट मोस्ट बिजी मंथ. यहाँ पे वीक के बदले आ जाएगा मंथ बिजी मंथ कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड या इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं. सो इसका कलर हम लोग कर देते हैं ऑरेंज. जस्ट मैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. कोट फट गया. कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड टू अ सिंगल शेप शेप मिसमैच. होना तो नहीं चाहिए था. अगर हम ये कोड लिखें अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे डालूँ और यहाँ पे अगर मैं डालूँ मंथ तो ये मुझे मिलना चाहिए था. क्यों गड़बड़ हुआ. लेट्स सी हेल्पर में हमने क्या किया. यहाँ तो कुछ भी नहीं किया. डी एफ मंथ वैल्यू काउंट्स रिटर्न किया. बिजी मंथ हेल्पर डॉट मंथली टाइमलाइन क्यों किया मैंने. सॉरी मंथली टाइमलाइन नहीं होगा. ये मंथली मंथ एक्टिविटी मैप होगा. मैंने गलत फंक्शन कॉल कर लिया था. सो अब अगर मैं वापस जाऊं और शो एनालिसिस पे क्लिक करूं या यहां पे गड़बड़ हो रहा है तो हम लिखते हैं plt dot xtix rotation equals vertical. लेट्स रन इट वन मोर टाइम. सो या ऐसा दिखाई दे रहा है. यही सेम चीज मैं यहां पे भी डाल सकता हूं कंसिस्टेंट दिखने के लिए. सो या ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर यूजर का देखना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो. ये रहा ठीक है. सो या यहां तक हो गया. अब हम लोग एक हीट मैप बनाएंगे कि किस टाइम पे यूजर पूरे वीक में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है. ठीक है. सो गाइज नेक्स्ट हम लोग ये हीट मैप बना रहे हैं. ठीक है.
ये हीट मैप बता रहा है कि हमारे यूजर्स पूरे वीक में किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और किस टाइम पे सबसे कम एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर आप देखो तो आपके टाइम पीरियड्स हैं, पूरे दिन को मैंने 24 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया है, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक एंड सो ऑन। ठीक है, सो यू कैन सी ये अलग अलग टाइम लाइन है, ये ऑर्डर में नहीं है बट फिलहाल ऐसा ही है। और इस तरफ अगर आप देखो वाई एक्सिस पे तो यू कैन सी हमारे पास डेज का नाम है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये काइंड ऑफ एक लेजेंड है कि जितना लाइटर शेड है उतना ज्यादा आपके यूजर्स एक्टिव हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, और जितना डार्कर शेड है उतने कम एक्टिव है। ठीक है, सो यू कैन सी अगर आप ये पीरियड देखो, रात को 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, इस टाइम पे इस ग्रुप के जो यूजर्स हैं वो लीस्ट एक्टिव हैं। ठीक है, वेयर एज अगर आप इधर का बात करो 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक के बीच में, तो वेंसडे और मंडे और फ्राइडे को भी हमारे यूजर्स बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को देख करके समझ में आ सकता है कि कब किस पॉइंट पे हमारे यूजर्स एक्टिव हैं, किस पॉइंट पे हमारे यूजर्स एक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैंने बनाया कैसे, बहुत सिंपल था। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मेरे पास सबसे पहले अगर आप नोटिस करना तो हमारे पास हमारे डेटा फ्रेम में एक कॉलम था विच वॉज आर और मिनट भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आवर से एक नया कॉलम बनाया पीरियड बोल के। सो जहां भी 16 है उसके बदले मैंने कर दिया 16-17, जहां भी 18 है वहां पे मैंने कर दिया 18-19। ठीक है, और वही करने का कोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, और फिर मैंने ये नया कॉलम बना दिया, और ये नया कॉलम बनाने के बाद अब हमारा जो पीरियड वाला कॉलम है, पीरियड कहाँ गया, जस्ट वन सेकेंड, आई गॉट कंफ्यूज। एनीवेज, जो भी है यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे ये पीरियड वाला कॉलम आ गया, तो अगर कहीं पर आवर 10 है तो यहाँ पे 10-11 आ जाएगा, कहीं पर 20 है तो 20-21 आ जाएगा, 17 है तो 17-18 आ जाएगा, 19-20 आ जाएगा, 8 है तो 8-9 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही किया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, एक पिवट टेबल प्लॉट किया, और वो पिवट टेबल में मैंने इंडेक्स पे दे दिया डे नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कॉलम्स में दे दिया पीरियड वाला कॉलम। ठीक है, वैल्यूज में दे दिया मैसेज वाला कॉलम, और एग्रीगेट फंक्शन रखा काउंट की मैसेज काउंट करो। ठीक है, और फिल एन ए जीरो का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होगा कि कहीं कहीं पर किसी पर्टिकुलर डे में, किसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई मैसेज नहीं होगा, तो वहां पे एनएन वैल्यूज होंगी, उनको मैंने जीरो से रिप्लेस कर दिया, और फिर मैंने सीबॉन का हीट मैप चला करके ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये कोड को कॉपी करना पड़ेगा, और पाईचार्म में जाकर के preprocessor.py में इस जगह पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद ये कोड लिखना पड़ेगा लाइक दिस। ये करने से ये पीरियड वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सब ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है इसके बाद, हमें बस एक फंक्शन बनाना है हेल्पर में जाके, और इस फंक्शन का नाम है एक्टिविटी हीट मैप। इसको भी सेम चीजें चाहिए, सेलेक्टेड यूजर और हमारा डेटा फ्रेम, और ये वाला कोड पेस्ट कर देते हैं। लेट्स पेस्ट दिस कोड, और उसके बाद हमें कुछ खास नहीं करना, हमें ये पिवट टेबल बनाना है, ये पिवट टेबल जो खुद में, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये पिवट टेबल कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखाई देता है, दिस इज द पिवट टेबल। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग दिस पिवट टेबल, लेट्स कॉल इट एक्टिविटी हीट मैप। ठीक है, व्यू में जा रहा हूँ मैं, एक्टिविटी एडिट
और ये मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक्टिविटी हीट मैप, ठीक है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं इस जगह पे, और यहाँ पे विल कॉपी दिस, विल कॉपी दिस। एक्चुअली ये भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हीट मैप प्लॉट करना है। तो व्हाट वी विल डू इज टर्मिनल में हम जाएंगे और हम लिखेंगे pip install seaborn, just one second, we would write pip install seaborn। सो या हमारे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। और यहां पर आकर के सबसे पहले वी विल कॉल द फंक्शन। सो आई रिमूव दिस लाइन एंड आई वुड राइट हेल्पर डॉट एक्टिविटी हीट मैप सेलेक्टेड यूजर df। ये मुझे देगा एक्टिविटी, जस्ट वन सेकेंड, मैंने इस फंक्शन का नाम भी एक्टिविटी हीट मैप रख दिया है और इसका भी नाम एक्टिविटी, इसका नाम यूजर हीट मैप रख देते हैं, यूजर हीट मैप, यूजर हीट मैप। और यहाँ पे हम लिखते हैं यूजर हीट मैप इज इक्वल टू दिस। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें SNS डॉट हीट मैप करना है, SNS डॉट हीट मैप करना है और यहाँ पे भेजना है यूजर हीट मैप को। और इस पूरी चीज को आई वुड पुट इनसाइड ST डॉट पाई प्लॉट। लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आई विल जस्ट ब्रिंग इट बैक, वापस जाते हैं और पहले एक बार हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्ट्रीमलेट को, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। ब्राउज फाइल शो एनालिसिस। ओके, सो डायरेक्टली हम प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं सीबॉन का मैप, तो थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो या गाइज, अपेरेंटली सीबॉन के जो प्लॉट्स हैं उनको आप ऐसे नहीं प्लॉट करते हो, उसको भी आप मैटप्लॉटलिब की तरह ही करते हो। सो आप फिगर एक्सिस plt डॉट सब प्लॉट्स ये करोगे और उसके बाद आप ये लिखोगे एक्सिस इज इक्वल टू दिस मैप लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आप फिगर को पास कर दोगे जैसा आप नॉर्मली करते हो। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट ST डॉट टाइटल के अंदर वीकली एक्टिविटी मैप, ठीक है। और अब इस कोड को रन करते हैं, रन किया फॉर अ पर्टिकुलर यूजर एंड यू कैन सी दिस इज द हीट मैप जो हम वहां पे बना रहे थे। थोड़ा सा इसका साइज हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा डिसप्रोपोर्शनेट लग रहा है, बट या दिस इज इट, ठीक है। तो ये सब मैं कोड में कर दूंगा या फिर आप प्रैक्टिस करो, मतलब थोड़ा आपको भी करना चाहिए। बट या दैट्स आवर प्रोजेक्ट मोर ऑर लेस, इतना ही करना था हमें और ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बस एक लास्ट चीज बची है और वो है इसको डिप्लॉय करना। सो वो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सो गाइज, अब हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है हेरोकू के ऊपर। तो सबसे पहले हमें हेरोकू पे जाना होगा और अपना अकाउंट में लॉगिन करना होगा। सो सबसे पहले मैं वो कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्रिएट एन अकाउंट। सो आई विल जस्ट लॉग इन
एंड यू कैन सी ऑलरेडी मेरे दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं. मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. इस प्रोजेक्ट का नाम होगा व्हाट्सएप चैट एनालाइजर कैंपस एक्स. ये नाम अवेलेबल है. आई विल क्रिएट द ऐप. ठीक है. अब आपको ये सी एल आई डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा. हेरोकू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन इंटरफेस, आई एम सॉरी. सो नाउ लेट्स गो बैक. यहाँ पे हमें चार नई फाइल्स बनानी पड़ेंगी. सबसे पहली फाइल जो होगी वो होगी डॉट गिट इग्नोर फाइल. और इसके अंदर होगा वी एन बी फोल्डर. फिर हमें एक और फाइल बनानी होगी जिसका नाम होगा सेटअप डॉट एस एच. और इसके अंदर जो कोड होगा वो ये कोड होगा. ये कोड डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा हेरोकू के सर्वर पे. उसके बाद हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक फाइल. और प्रॉक फाइल में हमें ये कमांड देना पड़ेगा सो दैट हमारा स्ट्रीमलेट ऐप रन हो सके सर्वर के ऊपर. लास्ट जो चीज हमें चाहिए वो है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल, जहां पे हम अपनी सारी डिपेंडेंसीज का नाम लिखेंगे. रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी. और यहाँ पे मैं एक एक करके सारी डिपेंडेंसीज का नाम लिख रहा हूँ. सबसे पहले मुझे चाहिए स्ट्रीमलेट. वर्जन्स मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाता है. उसके बाद मुझे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न चाहिए. सो मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न. यहाँ पे और कुछ भी नहीं है. ये जो प्री प्रोसेसर है वो मेरी खुद की फाइल है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए. हेल्पर डॉट पी वाई में यू आर एल एक्सट्रैक्ट चाहिए. सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. और वर्ड क्लाउड चाहिए. अगेन आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. पैंडास एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही आप स्ट्रीमलेट करोगे, बट फिर भी मैं सेफ साइड रह के कर दे रहा हूँ. और एक इमोजीज चाहिए. और प्री प्रोसेसर में पैंडास और आरी चाहिए. आरी बिल्ट इन है और पैंडास हमने लिख दिया. सो या ये हो गया. अब हमें लाइन से कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करने होंगे जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हमें हेरोकू लॉग इन चलाना है लाइक दिस. ये मुझे ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा. ये मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया. उसके बाद गेट इनिशियलाइज करने को बोलेगा. गेट इनिट कर रहा हूँ मैं. उसके बाद ये कमांड रन करना है. उसके बाद सब कुछ को ऐड करना है. और उसके बाद मुझे कमिट करना है. सो आई विल कमिट. कमिट हो गया. और उसके बाद आई विल जस्ट पुश. और पुश कर दिया. नाउ लेट्स वेट, देखते हैं कैसा जाता है. सो या गाइस, ये इंस्टॉल हो गया है. एक बार इसको रन करते हैं. लेट्स होप ये काम करे, बट It's not working. एक बार और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ. Let's wait थोड़ा सा, एक बार ये process complete हो जाने देते हैं. Now let's click on this. And you can see ये रहा हमारा app. एक बार मैं upload करता हूँ कोई file. So मेरे downloads में ये रही वो file. ये सारे नाम आ गए. शो एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, टाइमलाइन, डेली टाइमलाइन, एक्टिविटी मैप, हीट मैप एंड या गाइस इट इज इंस्टॉल्ड. हो गया. सो या गाइस, आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया. अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की. आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो. बहुत पोटेंशियल है. लाइक इट इज आफ्टर ऑल एनएलपी प्रोजेक्ट, नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग.
तो काफी पोटेंशियल है यहाँ पे, आप काफी चीजें ऐड कर सकते हो। हमने अभी तक यहाँ पे कुछ भी मशीन लर्निंग यूज नहीं किया। आप सेंटिमेंट एनालिसिस लगा सकते हो, आप एम्बेडिंग्स यूज कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि ओवरऑल आपके व्हाट्सएप ग्रुप का सेंटिमेंट कैसा है, मेंबर्स का सेंटिमेंट कैसा है। आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन से यूजर्स ओपिनियन के हिसाब से सिमिलर हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल बहुत है इस प्रोजेक्ट में। बट सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार ये वीडियो देख करके ये पूरा प्रोजेक्ट बनाओ और फिर इसमें एड ऑन्स करो, ठीक है। इसमें 24 आवर वाला फॉर्मेट लगा हुआ है, आप उसको AM/PM में कन्वर्ट करो। कोई भी जो गलती हो रही है आप अपने दोस्तों में ये पास करो ये URL और पूछो, जो भी एरर आ रहा है उसको फीडबैक के थ्रू करेक्ट करो। दिस कुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हो कॉलेज में, अगर आप ये प्रोजेक्ट दिखाते हो किसी इंटरव्यू में, आई एम श्योर द इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड और यू नेवर नो, आपको एक एज मिल सकता है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।